हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। वैसे तो ये चैप्टर स्टूडेंट को बहुत टफ लगता है, लेकिन मेरा वादा है कि अगर आप मेरे इस ट्रिक वाले वीडियो लेक्चर को देख लोगे तो आपको इससे ईजी कोई और चैप्टर नहीं लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो पहले तो समझ लो कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो, सिंपल अगर मैं समझाऊं तो आपका मोबाइल जब चार्जिंग हो रहा होता है तो डैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सिंपल फील करो, जब मोबाइल चार्जिंग में है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का वर्क कर रहा है। डैट मीन्स वहां पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हो, किसमें? केमिकल एनर्जी में। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या ट्रिक्स हैं सर आपके। तो वेरी सिंपल ट्रिक्स है और बहुत छोटे छोटे। पहला पॉइंट तो पाव, जो बड़ा पाव आप सुबह नाश्ते में ले तो पाव वर्ड याद रखना। पाव का मतलब यहाँ पे क्या है? पी फॉर पॉजिटिव, ए फॉर एनोड, ओ फॉर ऑक्सीडेशन। तो पहला चीज क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन रहता बच्चों को कि ऑलवेज जो एनोड होगा वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट होगा और उस पर ऑलवेज क्या होंगे? ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, आपने ये बैटरी को कनेक्ट किया, राइट? ये हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले रखा है, ये दो इलेक्ट्रोड हो गए और बैटरी किसी एक्सटर्नल सोर्स से आपने कनेक्ट किया, तो बैटरी का बड़ा वाला डंडा जो होता है वो प्लस साइन से, तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो गया, तो ये क्या हो गया आपका? एनोड, याद रख लेंगे। तो डेफिनेटली जो दूसरे वाला हो जाएगा जो निगेटिव होगा और क्या हो जाएगा वो? कैथोड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि एन ऑक्स रेड कैट। एन ऑक्स का मतलब क्या? देखो, एन से एनोड, ऑक्स से ऑक्सीडेशन। ओके, रेड कैट मतलब रिडक्शन एट कैथोड। तो किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो ऑलवेज इस राइमिंग वर्ड से याद रख सकता है, एन ऑक्स रेड कैट। डैट मीन्स एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा चाहे कुछ भी हो जाए, और कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होगा चाहे कुछ भी हो जाए। नाउ थर्ड पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि एग्जाम में अगर आपसे पूछा गया कि आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया किसी इलेक्ट्रोलाइट का, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? सिंपल, पानी में आपने किसी सॉल्ट को डाल दिया है। तो अगर पानी में किसी सॉल्ट को डाल दिया, सॉल्ट में क्या होंगे? प्लस और माइनस। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, उसके लिए रफी सर का ट्रिक, CBI एंड छापा। देखो वेरी कनेक्टेड वर्ड है, CBI का काम क्या है? छापा मारना। कैसे? ध्यान से देखो, CBI का मतलब क्या है? अगर Cl- आपके सॉल्यूशन में, डेट मीन्स यहाँ पे अगर कहीं पे भी Cl- है या Br- है या I- है, तो फिर यही ऑक्सीडाइज होंगे। अगर इन तीनों आयंस में कोई भी प्रेजेंट होगा तो यही ऑक्सीडाइज होगा। अगर ये तीनों आयंस में से कोई भी नहीं है तो फिर उस केस में वाटर ऑक्सीडाइज होंगे। O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडाइज अगर वाटर होगा तो क्या मिलेगा? ऑक्सीजन गैस। और अगर इन तीनों में से कोई है, ये ऑक्सीडाइज होंगे तो क्या मिलेगा? क्लोराइड आयन होगा तो Cl2 गैस, ब्रोमाइड आयन होगा तो Br2 गैस, आयोडाइड आयन होगा तो I2 गैस। नाउ एक और क्वेश्चन उठता है कि सर अगर दोनों तीनों प्रेजेंट है तो क्या होगा, तो इसलिए मैंने इस ऑर्डर में लिखा, अगर तीनों प्रेजेंट है तो सबसे पहले I- ऑक्सीडाइज होगा, फिर Br-, फिर Cl-। तो इसलिए CBI उसी ऑर्डर में लिखा है मैंने आपके लिए, कि अगर तीनों प्रेजेंट है तो सबसे पहले I ऑक्सीडाइज होगा, फिर उसके बाद Br, फिर उसके बाद क्लोरीन। तो आई होप क्लियर होगा। और अगर ये तीनों आयंस में से कोई भी नहीं है तो क्या होगा? वाटर ऑक्सीडाइज होंगे, और वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या मिलेगा? O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीजन। नाउ सर कैथोड पे क्या होगा वो बताओ। तो हमने क्या बोला कि CBI का काम क्या? छापा मारना। छापा मतलब अगर ये मेटल के कैटायन प्रेजेंट है, कॉपर प्लस टू, मरकरी प्लस टू, Ag+, अगर सॉल्यूशन में ये सब अगर प्रेजेंट है तो फिर यही रिड्यूस होंगे, और रिड्यूस होकर के क्या देंगे? कॉपर मेटल, मरकरी मेटल या सिल्वर मेटल आपको देंगे। अगर ये कैटायन नहीं है तो क्या होगा? तो वाटर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ले रखा हमने तो वाटर तो ऑलवेज प्रेजेंट है, राइट? तो वाटर उस समय रिड्यूस होंगे, और वाटर रिड्यूस होंगे तो क्या मिलेगा? H2, क्योंकि रिडक्शन का मतलब है क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिड्यूस होंगे तो H2 गैस मिलेगा, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो तो आपको कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा, उसके लिए सिंपल ट्रिक है छापा एंड CBI। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट जो वेरी सिंपल है, AA का मतलब क्या है कि ऑलवेज एनोड पे कौन आएगा? एनायन। जैसे यहाँ पे आपने पहचान लिया एनोड,
तो एनोड पे एनायन क्यों आएंगे, ध्यान से देखो, एनोड पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव, राइट, और एनायन पे कौन सा निगेटिव, तो अभी साथ है पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव के पास पॉजिटिव तो भूल से भी नहीं आएंगे, क्यों, रिपेल हो जाएंगे, इसलिए हमने इस डायग्राम में ऐसे दिखाया कि माइनस को प्लस वाले के साइड दिखाया, राइट, और प्लस को माइनस वाले के साइड दिखाया, क्योंकि वो खुद ही जैसे बैटरी ऑन करोगे ये खुद ही अपने आप को रीअरेंज कर करके सेपरेट हो जाएंगे, और अगर बैटरी ऑफ रखोगे तो फिर ये मिक्स रहेंगे, राइट। तो इसलिए ये वर्ड का मतलब यही है फोर्थ पॉइंट का कि एनोड पे एनायन जाएंगे और कैथोड पे कैटायन जाएंगे, इसलिए ये याद रखना बहुत ईजी है, डबल ए डबल सी, एनोड पे ऑलवेज एनायन आएंगे, कैथोड पे कैटायन जाएंगे। नाउ फिफ्थ पॉइंट कि अगर सर एक्वस नहीं होगा तो क्या करेंगे, नाउ द क्वेश्चन इज कि एक्वस नहीं हुआ, मोल्टेन लिख दिया कहीं पे या कंसंट्रेटेड लिख दिया, तो इसका मतलब है कि वाटर है ही नहीं, और अगर वाटर नहीं है तो आप खुद ही सोचो फिर क्या होगा, जो कैटायन और एनायन सॉल्ट में प्रेजेंट है वही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए जाएंगे। इसको सिंपल अगर एक डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करूँ, जैसे सपोज करो आप और आपके भाई, छोटे भाई घर में हैं और किसी ने डोरबेल बजाया, राइट, तो आपका छोटा भाई खोने जाएगा, क्यों, अवेलेबल है। अगर सपोज करो ऐसा कंडीशन होगा कि आपका छोटा भाई अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको ही जाना पड़ेगा, तो वही चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे एक पॉइंट और हमने समझाया कि मान लो कि मैंने एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया, किसका, एक्वस NaCl, समझ गए, ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं, जो खाने वाला नमक है उसको पानी में डाल दिया, उसको इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो क्या मिलेगा, तो देखो आपके पास सोल्यूशन में क्या क्या है, एक तो Na प्लस है, Cl माइनस है और वाटर है, क्योंकि एक्वस की बात कर रहे हैं, ये तीन चीज़ें। अब तुम ही सोचो एनोड पे AA, एनोड पे कौन आएगा, एनायन, एनायन इसमें कौन है, Cl माइनस, राइट, और वाटर तो बाय द वे दोनों ही इलेक्ट्रोड को घेर रखा है, राइट, वाटर तो हर जगह है, तो अब Cl माइनस Cbi का पार्ट है, यस है सर, तो Cl माइनस आपका ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होकर के क्या दे देगा, Cl2 गैस, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएंगे। उसके बाद कैथोड पे अगर बात करें तो कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन, कैटायन कौन है, Na प्लस, राइट, ये गया, लेकिन क्या ये रिएक्शन हो गई, तो नहीं, क्यों, क्योंकि सोडियम एक मेटल है और सोडियम मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, यहाँ पे आप क्या करा रहे हो, इलेक्ट्रॉन उसको बोल रहे हो लेने को, जो कि उसके इज्जत के खिलाफ हो गया, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। अब ये रिएक्शन नहीं होगी तो किस, कौन सेक्रीफाइस करेगा, वाटर, तो वाटर अगर सेक्रीफाइस करेगा तो रिडक्शन हो रहा है, तो कौन सी गैस मिल जाएगी, H2। तो अभी एट प्रेजेंट अगर एक्वस NaCl को हम इलेक्ट्रोलाइज करें तो आपको क्या मिलने वाला है, एनोड पे Cl2 गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, नॉट सोडियम, बट अगर यहीं पे मैं मोल्टेन या कंसंट्रेटेड लेता तो फिर एनोड पे तो Cl2 गैस ही रहता, वही एनायन प्रेजेंट है, और कैथोड पे अब जबरदस्ती किसको आना पड़ता, सोडियम को, लेकिन ये जो रिएक्शन होती वो आपका कम वोल्टेज पे नहीं होती, वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता, बस यही डिफरेंस होता। तो आई होप इस ट्रिक से आप इजीली पहचान लेंगे कि एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है और कैथोड पे कौन सा। चलिए अब हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो ध्यान से देखो कि हमने 10 इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो इलेक्ट्रोलाइट किस कंडीशन में वो भी लिखा है, इलेक्ट्रोड कौन सा यूज किया वो भी हमने लिखा है, कैटायन कौन है, जस्ट ईजी है ये, एनायन कौन है और प्रोडक्ट क्या मिलेगा एनोड कैथोड पे। तो ध्यान से देखो, पहले वाले केस में इलेक्ट्रोलाइट कॉपर नाइट्रेट लिया और एनट इलेक्ट्रोड है, जनरली क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो एनट इलेक्ट्रोड लेंगे, या ग्रेफाइट का हो या प्लेटिनम का हो तो वो भी एनट इलेक्ट्रोड माना जाता है। तो यहाँ पे कैटायन आपके पास कौन हो गया, कॉपर प्लस टू, और एनायन NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, तो यू नो कैटायन कैथोड पे जाएंगे, CC कैटायन कैथोड पे जाएंगे, और ये छापा का पार्ट है तो कैथोड पे आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर, एनायन एनोड पे जाएंगे AA, बट ये CbI का पार्ट नहीं है तो एनायन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो वाटर ऑक्सीडाइज होगा, तो क्या मिल जाएगा, O2, क्यों, क्योंकि ये एक्वस था, राइट, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मोल्टेन कॉपर सल्फेट लिए, मोल्टेन कॉपर सल्फेट और एनर्ट इलेक्ट्रोड लिया, तो यू नो कॉपर प्लस टू है और सल्फेट आयन है, मोल्टेन है डेट मीन्स वाटर है ही नहीं, तो कैथोड पे तो कैटायन जाएंगे, कैथोड पे कैटायन, वैसे भी छापा का पार्ट है ये, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एनोड पे एनायन सल्फेट आयन,
ये जाएंगे, बट यहाँ पे चूंकि वाटर है नहीं तो इसलिए ऑक्सीजन गैस आपको नहीं मिलने वाला, यहाँ पे सल्फेट को ही ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा और पर ऑक्सी लिंकेज बन जाएगा H2O2-, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सल्फर ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे सारे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? -2। यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1, पर ऑक्सी लिंकेज होने की वजह से। नाउ नेक्स्ट, अगर एक्वस AgCl लिया तो एनॉट इलेक्ट्रोड है, तो Ag+ और Cl- है, राइट? तो कैथोड पे कैटायन जाएंगे, कैटायन आपका Ag+ है और छापा का पार्ट है तो यही मिल जाएगा। एनोड पे एनायन आएंगे, Cl-, CbI का पार्ट है तो Cl2 गैस मिल जाएगा, राइट? अगर मॉल्टेन AgCl लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एनॉट इलेक्ट्रोड मॉल्टेन है, तो यहाँ पे बाय द वे यही दोनों ही होंगे, राइट? तो कैथोड पे कैटायन जाएंगे तो सिल्वर मिलेगा, एनोड पे एनायन आएंगे तो Cl2। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, क्यों? चाहे एक्वस लो या फिर मॉल्टेन लो, क्योंकि यही दोनों ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने वाले। नेक्स्ट, NaCl एक्वस लिया, एनॉट इलेक्ट्रोड, तो हमारे पास Na+ है, Cl-। ध्यान से देखो, कैथोड पे कैटायन, अब कैटायन आपका रिड्यूस नहीं हो सकता, राइट? तो कौन होगा? क्यों? क्योंकि छापा का पार्ट नहीं है, तो कौन होगा? वाटर। वाटर रिड्यूस होगा तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। और एनोड पे एनायन जाएंगे, एनायन Cl- है, CbI का पार्ट है वो, तो Cl2। नेक्स्ट, NaCl एक्वस तो है, बट हमने अब इलेक्ट्रोड का कंडीशन चेंज किया। ध्यान से देखो, एनोड आपका एनर्ट है और कैथोड मरकरी का बनाया, तो एनोड पे पहले कौन जाएगा? एनोड पे एनायन जाएगा आपका, राइट? एनोड पे एनायन जाएंगे और एनायन आपका CbI का पार्ट है, इसलिए Cl2 आपको मिल जाएगा। कैथोड पे कैटायन जाएंगे, और कैथोड यहाँ पे एनर्ट नहीं है, मरकरी का है, और सोडियम मरकरी में डिजोल्व हो जाता है, जिसको सोडियम अमलगम बोलते हैं, तो यहाँ पे बाय द वे आपको सोडियम ही मिलेगा, क्योंकि सोडियम ये रिएक्शन फॉरवर्ड में चले जाएंगे, जैसे ही थोड़ा सा सोडियम प्रोड्यूस होगा वो मरकरी में घुल जाएगा, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएंगे। नेक्स्ट, अगर कॉपर नाइट्रेट एक्वस लिया, एनोड भी कॉपर का लिया और कैथोड भी कॉपर का, ध्यान से देखो, तो कैटायन आपके पास कौन है? Cl+2 और एनायन कौन है? नाइट्रेट। तो एनोड पे कौन जाएंगे? एनायन। तो इसका तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, राइट? क्यों? क्योंकि ये CbI का पार्ट नहीं है। तो अब किसका होगा? तो अब वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मेटल जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मेटल ऑक्सीडाइज ईजिली, तो यहाँ पे ध्यान देना है, इसलिए ये रिमार्क्स में ये पॉइंट में यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, ध्यान देना है कि अगर आपने एनोड भी कॉपर के लिया, कैथोड भी कॉपर का, तो एनोड पे एनायन जाएंगे, ये CbI का पार्ट नहीं है, इसलिए ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यहाँ पे वाटर भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि मेटल उससे खुद ईजिली ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइज कौन होगा? कॉपर पे ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा, सॉरी, एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा? कॉपर का। कॉपर चला जाएगा आपका Cl+2 में, और कैथोड पे कैटायन जाएंगे, ये छापा का पार्ट है, तो वहाँ पे वो कॉपर रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज, और यहाँ पे क्या हो रहा है? रिड्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हो रहे हैं इस केस में। सिमिलरली एक्वस H2SO4 लिया, एनॉट इलेक्ट्रोड, तो आपके पास H+ है और SO4-2 है, राइट? कैथोड पे कैटायन जाएंगे, H+ है अभी, तो यही आपका हो जाएगा, तो कैथोड पे आपको H2 गैस मिलेगी। एनोड पे एनायन जाएंगे, बट एनायन CbI का पार्ट नहीं है, तो अब किसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? वाटर को। तो वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या मिल जाएगा? O2 गैस, ध्यान देना है। सिमिलरली कॉन्क H2SO4 एनॉट इलेक्ट्रोड, तो H+ है, कैथोड पे कैटायन जाएंगे, तो यहाँ तो आपको H2 मिल जाएगा, एनोड पे एनायन जाएंगे, और अभी इसको ही ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, क्यों? कंसंट्रेटेड कंडीशन है, डेट मीन्स वाटर अगेन वेरी लेस अमाउंट में, तो इसको ही होना पड़ेगा, और ये होगा तो अभी बताया आपको क्या बनाना है, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड वाला एनायन H2O8-2, परऑक्सी लिंकेज होगा इसमें, डेट मीन्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच लिंकेज होगा ऐसे, तो ये -1 में। और अगर एल्युमिनियम सल्फेट ले रहे हो, एनॉट इलेक्ट्रोड, तो कैटायन आपके पास एल्युमिनियम है और एनायन सल्फेट है, कैथोड पे कैटायन जाएंगे, कैटायन छापा का नहीं है, तो इसलिए वाटर रिड्यूस होगा, वाटर रिड्यूस होगा तो हाइड्रोजन गैस, और एनायन CbI का पार्ट नहीं है, इसलिए वाटर को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा तो O2। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप ध्यान से एक मरतबा देख लो। मैंने
जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ध्यान से देखो, जब ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर करा रहे हो आप, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए आपने प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, राइट। अब ये रिएक्शन को कैसे लिखें, ये रिएक्शन को रटना नहीं है, समझो मेरी बात को। वाटर के बारे में आपको मालूम है कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें तो हाइड्रोजन का प्लस वन होगा, इस हाइड्रोजन का प्लस वन और इसका माइनस टू होगा, और ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप खुद ही सोचो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हाइड्रोजन कर सकता है? नहीं, ऑलरेडी वो भिखारी है, उसके पास तो अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये कभी भी लूज नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन, तो लॉस कौन करेगा? ऑक्सीजन करेगा, राइट। तो ऑक्सीजन माइनस टू से किस में जा रहा? जीरो में, तो इसलिए ओ टू बना दिया, राइट। चूंकि एच प्लस का कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ओनली ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो इधर अगर ये H+ में, तो इधर भी H+ में ही रहना चाहिए, तो इसलिए मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ रहा है H+, राइट। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब बैलेंस करना है, तो अब यहाँ दो ऑक्सीजन था, तो इसलिए मुझे यहाँ टू करना पड़ेगा, राइट। तो चार हाइड्रोजन हो गया, तो चार H+, चार प्लस को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इधर कोई चार्ज नहीं है, राइट, वाटर न्यूट्रल है, तो इधर भी चार प्लस और चार माइनस से चार्ज बैलेंस होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आपको ऑक्सीडेशन के रिएक्शन को रटना वाटर का, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस कौन कर सकता है? ऑक्सीजन है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और जो कंडीशन में हाइड्रोजन इस इधर है, उसी कंडीशन में इधर भी होना चाहिए, क्योंकि वी आर टॉकिंग ओनली ऑक्सीडेशन। वैसे ही आ जाओ रिडक्शन रिएक्शन अगर वाटर का लिखना हो, तो रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगेन गेन कौन करेगा? गेन आपका हाइड्रोजन करने वाला है, क्योंकि यही भिखारी है, राइट, इसी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, यही प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो H+ से वो किस में आ गया? H2 में। ऑक्सीजन को अगेन कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी आर टॉकिंग ओनली रिडक्शन, डेट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पे माइनस टू है, तो यहाँ पे भी वो माइनस टू में होना चाहिए, इसलिए एक हाइड्रोजन को अटैच करके रखा, उसकी वजह से एक माइनस आया, और इस माइनस की वजह से इस पे एक माइनस आया, तो ये माइनस टू, क्योंकि ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाइड्रोजन में चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ प्लस वन से जीरो में जा रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसलिए वाटर का जब भी रिडक्शन करोगे तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और वाटर का ऑक्सीडेशन करोगे तो ऑक्सीजन गैस मिलेगी। और याद कैसे रख सकते हैं? ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीजन, राइट। रिडक्शन मतलब ही क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन मिलेगा। ये रिएक्शन कैसे हो रही है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नाउ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ध्यान से देखो H+ क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर वाटर मोर ऑक्सीडाइज होंगे, तो आपका सोल्यूशन कैसा होता जाएगा? एसिडिक नेचर में। दैट मीन्स pH क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, या pH क्या होगा? 7 से कम होगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि किसी एक्वस इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, तो सोल्यूशन का कंडीशन क्या होगा? एसिडिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, न्यूट्रल रहेगा, पीएच के बारे में, तो ये सब पूछा जाए तो यहाँ से समझ में आएगा। सिमिलरली जब रिडक्शन हो रहा है वाटर का, तो ध्यान से देखो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? OH माइनस, डैट मीन्स बेसिक करेक्टर सोल्यूशन का बढ़ेगा। OH माइनस बढ़ने की वजह से सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा नेचर में, पीएच आपका बढ़ेगा, डैट मीन्स पीएच 7 से ज़्यादा होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ज्ञान की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने जा रहा हूँ, जिससे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फैराडेज लॉ पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, उसको आप बहुत इजीली कर लोगे। तो देखो, ट्रिक का पॉइंट बहुत सिंपल है। जहाँ पे भी मैं इक्विवेलेंट लिखूँगा, उसको EQV से लिखूँगा, इक्विवेलेंट को, ओके? तो फैराडेज लॉ पे बेस्ड या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? सिंपल इस ट्रिक से करना है। आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा रहा है, उसको अभी ध्यान नहीं देना, आपको क्या कर लेना है, किसी भी तरह आपको इक्विवेलेंट निकाल लेना है। ट्रिक का फंडा क्या है, ट्रिक का कंसेप्ट क्या है, कि आपको किसी भी तरह इक्विवेलेंट निकाल लेना है उस क्वेश्चन में। और कैसे निकालना है, तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, अगर मोल गिवन है तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, उससे आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा, राइट। सपोज करो मोल नहीं गिवन है, करंट और टाइम गिवन है, तो करंट किस में होना चाहिए ये ध्यान रहे, करंट एम्पियर में होना चाहिए और टाइम सेकंड में होना चाहिए। अगर करंट एम्पियर में है, टाइम सेकंड में है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 965 से डिवाइड कर दो, तो आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा।
अगर चार्ज गिवन है कूलम में, सी का मतलब यहाँ पे कूलम है, अगर चार्ज कूलम में गिवन है तो 96510 से डिवाइड कर दो, आपको इक्विवेलेंट आ जाएगा। या फिर क्वेश्चन में बोल दिया कि इतना फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो जितना फेराडे उतना ही इक्विवेलेंट। ध्यान से समझे कि आपको क्वेश्चन को पढ़ कर करके समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना है टू फाइंड द इक्विवेलेंट, क्योंकि आपका पहला एम होना चाहिए कि इक्विवेलेंट हम निकाल लें। तो इक्विवेलेंट मोल इनटू एन फैक्टर, अगर मोल गिवन है तो, या फिर करंट टाइम गिवन है तो इस फॉर्मूले से, चार्ज गिवन है तो इस फॉर्मूले से, या डायरेक्टली वर्ड में बोल दिया कि इतना फेराडेज पास हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, तो जितना फेराडेज होता है उतना ही इक्विवेलेंट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना फेराडेज होता है उतना इक्विवेलेंट, क्योंकि कभी कभी इक्विवेलेंट ना बोल करके बोल देता है इतना फेराडेज, या फाइंड नंबर ऑफ फेराडेज, राइट। तो डेट मीन्स आपसे क्या पूछा जा रहा है, इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है। दूसरा एक और तरीका है, अगर नॉर्मलिटी गिवन है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, राइट, तो भी आपको इक्विवेलेंट आ जाएगा नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम से। तो टोटल ध्यान से देखो, पांच फॉर्मूले आपके पास, डिपेंडिंग कि क्वेश्चन में क्या मेंशन है उससे आप क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट। नाउ क्वेश्चन इज कि मोल के निकालने का एक और तरीका है, राइट, जो ऑलरेडी आप जानते हो सकता है डायरेक्टली मोल ना दे, तो क्या दे सकता है कि इतना मास डिपॉजिट हुआ या इतना मास लिबरेट हुआ। तो अगर वेट गिवन है तो मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर दो, अगर मॉलिक्यूल है तो, एटम है तो एटॉमिक वेट से, तो मोल आ जाएगा, राइट, और फिर उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विवेलेंट आ जाएगा। सिमिलरली अगर मोलारिटी गिवन है तो वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से भी मोल आ जाएगा। या फिर हो सकता है वॉल्यूम एट एसटीपी गिवन हो तो 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो, यहाँ से भी मोल आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको मोल किसी तरह निकाल लेना, राइट। या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो एवोगाड्रो नंबर लाइक 6×10³ से आप डिवाइड कर दो। तो वेरी सिंपल है, मोल हो सकता है डायरेक्टली ना दे, तो इनडायरेक्ट वे में इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन है तो मोल आ जाएगा, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट आ जाएगा, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल, एन फैक्टर निकालने के लिए आपको सिंपल सा पॉइंट है, अगर वो आयंस की बात कर रहे हो, तुम आयंस पे अगर लगा रहे हो तो जो चार्ज होगा आयन पे वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे कॉपर प्लस 2 का अगर एन फैक्टर पूछे तो 2, चार्ज 2 है, Cl माइनस तो उस पर -1 चार्ज है तो 1। तो आयंस के केस में तो बहुत ईजी है, चार्ज ऑन द आयन वही हो जाएगा एन फैक्टर, राइट। मॉलिक्यूल्स का अगर निकालना हो तो मॉलिक्यूल्स के केस में आपको ये देखना है कि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, राइट, तो एक हाइड्रोजन को एक चाहिए, दो हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। सिमिलरली एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 4 हो जाएंगे। सिमिलरली एक हैलोजन को, डैट मीन्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन सबको एक चाहिए, 2 है तो 2 हो जाएगा। और ये याद भी रखना है डायरेक्टली, ये तो समझा भी दिया, यही मैक्सिमम 99% केस में यही सब यूज होंगे। तो हाइड्रोजन का 2, हेलोजन का भी 2, ऑक्सीजन का 4, कैसे, वेरी सिंपल, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 हाइड्रोजन है तो 2, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 ऑक्सीजन है तो 4, एंड हेलोजन को 1 चाहिए क्योंकि लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 है तो फिर 2। तो ये हो गया। रिएक्शन के केस में कैसे निकालेंगे, तो रिएक्शन के केस में आपको देखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, और ध्यान दें पर मोल के लिए निकालना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मोल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मान लो ये रिएक्शन लिखी हुई है, अब इसमें आपको जिसका निकालना है, ध्यान दें एन फैक्टर पर्टिकुलर आयन या कंपाउंड का निकलता है। तो जैसे अगर मुझे वाटर का निकालना है एन फैक्टर, तो ध्यान से देखो इसके 2 मोल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, राइट, रिएक्शन बैलेंस है तो 2 के लिए 4 का हो रहा है, लेकिन हमें निकालना कितना 1 मोल के लिए, तो 2 के लिए 4 हो रहा है तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा आपका 2। सिमिलरली अगर मान लो कि मुझे H प्लस का निकालना है, तो ध्यान से देखो इसके 4 मोल के लिए 4 रिक्वायर्ड हो रहा है, 4 के लिए 4 तो 1 मोल के लिए 1 हो जाएगा, तो इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन का निकालना है मुझे तो बोलो, तो ध्यान से देखो ऑक्सीजन का आगे कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड हो रहा है 4, तो 1 के लिए 4 और पर मोल का ही निकालना है, तो 1 मोल के लिए 4, तो इसलिए उसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से भी देखो ऑक्सीजन का मैंने 4 ही लिखा था और यहाँ हाइड्रोजन का 1 लिखा था, आयंस के केस में चार्ज में उस पर +1 चार्ज है तो 1 हो जाएगा, राइट।
तो ये एन फैक्टर, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। आयंस मिलेंगे तो जो चार्ज होगा मॉलिक्यूल में फिक्स हो गया, यही होंगे। और रिएक्शन के केस में अगर निकालने की जरूरत पड़ी, वैसे तो पड़ेगी नहीं, अगर पड़ी तो वन मोल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो आपको निकालना है। ओके, नाउ व्हाट इज फैराडे सर, व्हाट इज फैराडे? फैराडे एक साइंटिस्ट का नाम था और उनका कहना था कि जो चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होगा उसको उसने अपने नाम पे फैराडेज बोल दिया उस नंबर को। तो वन मोल मतलब कितना हो गया, 6 × 10³। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो इस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सिमेट 9650 आएगा, इतना कूलम। तो ये कितना बड़ा नंबर बार बार यूज करना पड़ता है, इसलिए उसने इस नंबर को बोल दिया कि वन फैराडेज बोल दो। जैसे 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 100 एक बड़ा नंबर है, राइट, बोलने में टाइम जाता है। तो 100 सेंटीमीटर को आपने कितना इक्विवेलेंट कर दिया, 1 मीटर के इक्विवेलेंट के। तो वैसे ही इतनी बड़ी क्वांटिटी को उसने बोला कि इसको 1 फैराडे मान लो, अपने नाम पे रख दिया। तो 1 फैराडे मतलब 9650 कूलम। इसीलिए ध्यान से देखो, चार्ज अगर कूलम में गिवन होगा तो हमने उसको किससे डिवाइड किया है, 9650 से। सिमिलरली चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम, इसलिए हमने किससे डिवाइड किया, 9650 से। तो 1 फैराडे का ये मतलब है। नाउ फैराडे का जो सेकेंड लॉ था उसका ये कहना था कि अगर आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो हर इलेक्ट्रोड पे, तो फिर हर इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, इक्विवेलेंट सेम होगा। बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक गिवन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो हर इलेक्ट्रोड पे इक्विवेलेंट सेम होगा। ध्यान दे, क्या सेम होगा, इक्विवेलेंट, वेट सेम होगा ऐसा नहीं बोला, मोल सेम होगा ऐसा नहीं बोला। ध्यान दे, ना वेट सेम होते हैं ना मोल सेम होते हैं, क्या सेम होते हैं, इक्विवेलेंट। इसलिए मैंने इक्विवेलेंट पे जोड़ दिया, हर इलेक्ट्रोड पे चाहे वो एनोड हो कैथोड हो, दोनों पे ही इक्विवेलेंट क्या होंगे, सेम होंगे। हम इक्विवेलेंट को इक्वल कर देंगे, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। और इक्विवेलेंट इक्वल कर करके फिर हम जो अननोन होगा वो निकाल सकते हैं। तो आपको आई होप ये ट्रिक का फंडा समझ में आ गया होगा कि हम, या ये कंसेप्ट का फंडा समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहले आपका काम है इक्विवेलेंट निकालना। और इक्विवेलेंट अगर एनोड पे निकल गया है तो वही कैथोड पे होगा, इक्वल कर देना, उससे अननोन आ जाएगा। या कैथोड पे आ गया है तो वही एनोड पे भी होगा और इक्वल कर देना, उससे हमारा आंसर आएगा। अभी मैं एप्लीकेशन लूँगा तो आपको समझ में भी आएगा। तो आप एक बार तो इसको अच्छे से समराइज कर लीजिए। एक और ट्रिक का पॉइंट ये है कि अगर आपको रिएक्शन के केस में एन फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालना, वेरी सिंपल ट्रिक है, ध्यान से देखो। इन केस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के केस में आप एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। आप क्या कर लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज निकालेंगे इनटू नंबर ऑफ एटम। उसको मैं अप्लाई करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, क्रोमियम +6 में और इधर यहाँ पे 3 में, राइट। तो चेंज अगर इसका मुझे एन फैक्टर निकालना, ध्यान दे एन फैक्टर इंडिविजुअल का निकलता है, अगर इसका निकालना है तो चेंज तो 6 से 3 का, तो 3 का चेंज हुआ, नंबर ऑफ एटम इसके कितने, 2, तो कितना हो जाएगा 6, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन का दोनों तरफ चेंज नहीं होगा। अगर उसका चेंज होता तो मुझे उसका भी लेना पड़ता। सिमिलरली अगर इसका निकालना होगा तो चेंज तो अभी भी 3 से 6, तो 3 का ही रहेगा, राइट, लेकिन नंबर ऑफ एटम इसके 1 है, तो इसका कितना होता है, 3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ से यहाँ तक में, तो यहाँ पे कार्बन +3 में, यहाँ पे कार्बन 4 में, राइट। तो अगर इसका निकालना है एन फैक्टर, तो 3 से 4 में गया, चेंज हुआ 1 का, नंबर ऑफ एटम 2, तो यहाँ पे एन फैक्टर होगा 2। जबकि अगर इसका निकालना होगा तो चेंज तो अभी भी 1 का, लेकिन नंबर ऑफ एटम 1 ही है, तो यहाँ पे 1 होगा। बस ये पॉइंट ध्यान देना, यहाँ पे अगर आपको निकालना हो तो ध्यान से देखो, +1 से 0 में चेंज आपका हो गया 1 का, तो 1 इंटू नंबर ऑफ एटम 1, तो 1, और यहाँ पे भी 1 चेंज का और नंबर ऑफ एटम 1, तो 1। तो ऐसा भी हो सकता है सेम हो जाए। तो बस यही कन्फ्यूजन आपका दूर करने के लिए मैंने ये सब एग्जांपल लिया कि एन फैक्टर इंडिविजुअल निकलता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों तरफ तो सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ एटम से फर्क पड़ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में, आयरन यहाँ पे आपका 8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे 0 में, राइट। तो अगर मुझे इसका निकालना होगा तो चेंज कितना हो गया, 8/3 - 0, 8/3 का नंबर ऑफ एटम कितने, तो 3, तो यहाँ पे कितना आएगा, 8। जबकि यहाँ पे अगर मुझे निकालना होगा तो चेंज कितने का हो गया, 8/3 का, नंबर ऑफ एटम कितना है, 1, तो कितना हो जाएगा, 8/3। वेरी सिंपल।
सिमिलरली अगर मुझे मान लो यहाँ पे निकालना तो यहाँ पे आयरन प्लस थ्री में, यहाँ पे आयरन प्लस टू में, तो चेंज आपका तो वन का हो गया, नंबर ऑफ एटम दो, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टू, राइट। और यहाँ पे अगर निकालना हो तो चेंज तो अगेन वन का हुआ लेकिन एटम एक ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा वन। बस ये पॉइंट ध्यान में रखना है। सिमिलरली यहाँ पे MN7 में और यहाँ पे 2 में, तो चेंज 5 का एटम 1, तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे अगर निकालें तो चेंज तो 5 का लेकिन एटम भी 1 है, तो क्या हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगर मान लो कि मुझे इसका निकालना है, तो यहाँ पे आयरन आपका कितना में, प्लस टू में, कार्बन कितना में, प्लस थ्री में, ऑक्सीजन कितना में, माइनस टू में। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट साइड में लिख लेना, राइट साइड में आयरन प्लस थ्री में ये दिख ही रहा है, कार्बन आपका प्लस फोर में और ऑक्सीजन अभी भी माइनस टू में। तो अगर मुझे इसका निकालना है तो ध्यान से देखो, इस आयरन को अगर मैं चेक करूँ तो टू से थ्री में गया, तो चेंज हो गया वन का इंटू नंबर ऑफ एटम वन, प्लस सब का ले लेना, ऐड करना है। कार्बन का चेक करूं तो थ्री से गया फोर में, चेंज हुआ वन का, एटम है दो, प्लस ऑक्सीजन का माइनस टू सेम ही रह गया, तो चेंज जीरो का हुआ इंटू फोर, इसलिए ऑक्सीजन का मैं नहीं लेता हूं। तो ये पूरा आपका कैलकुलेशन इसका एन फैक्टर देगा, तो कितना गया ये वन और इधर ये टू, तो थ्री हो जाएगा इसका एन फैक्टर। तो इस तरीके से आपको करना है, हर एक एक एलिमेंट को पकड़ना है और उसका चेंज निकाल लेना है और इनटू नंबर ऑफ एटम जिसका आप निकाल लो। तो आई होप ये आपको एन फैक्टर निकालना बहुत इजी लगा होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन में क्वेश्चन नंबर वन है कि प्रोडक्ट विच इज नॉट ऑब्टेंड, ध्यान दें, विच इज नॉट ऑब्टेंड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन। तो यू नो NaCl एक्वस, जब वाटर में आप सॉल्ट को NaCl को डिजोल्व कर देंगे तो उसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो राइट, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो आपका एनायन कौन है, Cl माइनस, कैटायन कौन है, Na प्लस, और वाटर आपके पास तो है ही, राइट, क्योंकि एक्वस है। नाउ द क्वेश्चन इज, आपको क्या ट्रिक बताया था, एनोड पे एनायन जाएंगे, तो ये एनायन है, ये आपका एनोड पे जाएगा और एनायन CbI का पार्ट है, तो यही रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा, Cl2 गैस, राइट। और कैथोड पे आपका कैटायन जाएगा, बट कैटायन छापा का पार्ट नहीं है, तो ये आपका रिड्यूस नहीं होगा, तो वाटर रिड्यूस होगा, और वाटर रिड्यूस होगा तो क्या मिलेगा, H2 गैस, राइट। और OH- आपको रहेंगे क्योंकि ऑक्सीजन का कोई चेंज नहीं करना आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप ध्यान से देखो, तो नॉट ऑब्टेंड पूछा है, क्या क्लोरीन मिलेगा, यस ये मिलेगा, क्या H2 मिलेंगे, यस मिलेंगे, OH- यस मिल रहा है, और Na+ है तो NaOH बन जाएगा, तो ये भी होगा, डैट मीन्स HCl आपको नहीं मिलने वाला है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। फिर से पूछा गया ब्राइन सॉल्यूशन के बारे में, क्या करेक्ट है, तो यही सेम पॉइंट, तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, क्लोरीन एट कैथोड, तो गलत हो गया, क्लोरीन कहाँ पे मिलेगा, एनोड पे, तो ये ऑप्शन गलत। O2 एट कैथोड, तो O2 तो खैर मिलेगा नहीं कैथोड पे, कैथोड पे क्या मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन। H2 एट एनोड, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो ध्यान से देखो, ये सब चीज़ें एग्जाम में क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे, जबकि रफ़ी सर के सिंपल ट्रिक्स है, कैथोड पे कैटायन जाएंगे, एनोड पे एनायन जाएंगे, वहाँ से कर सकते हो, ब्राइन सॉल्यूशन है तो एनायन Cl- है तो एनोड पे एनायन जाएंगे तो Cl2, तो इसलिए एनोड पे Cl2 होना चाहिए, इसलिए ये गया, और कैथोड पे कैटायन जाएंगे, कैटायन छापा का पट नहीं तो हाइड्रोजन, इसलिए आपका ये Cl2 और O2 गया। OH- एट कैथोड, तो यस आप देख सकते हो कैथोड पे आपको ये रिएक्शन हो रही है तो OH- भी प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका, करेक्ट हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री कि अमाउंट ऑफ फैराडेज, एफ मतलब फैराडेज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन वन मोल ऑफ आयरन फ्रॉम दिस। इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते ही बच्चे क्या हो जाते हैं, सोचने लगते हैं ये क्वेश्चन कैसे करें, लेकिन बहुत ईजी, ध्यान से देखो, आपको फैराडेज निकालना मतलब इक्विवेलेंट निकालना है, राइट, कितने के लिए, वन मोल ऑफ आयरन फ्रॉम Fe3O4, तो Fe3O4 से आपको क्या लेना है, आयरन निकालना, नंबर ऑफ
फ्राइडे मतलब इक्विवेलेंट निकालना है, जितना इक्विवेलेंट होता है उतने फ्राइडे होता है। इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो आपको मोल गिवन है, मोल कितना आपको ध्यान से देखो, मोल हो गया 1 इंटू एन फैक्टर। तो रिएक्शन के केस में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये भी ट्रिक आपको दे रखा हूँ। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे आयरन का तो क्या आ जाएगा 8/3, और यहाँ पे कितना है 0। तो चेंज कितने का हो गया 8/3 का इंटू नंबर ऑफ एटम, हमें निकालना है किसका, आयरन का। आयरन का कितने एटम है 1, तो इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 8/3, डेट इज 2.67। सो ऑप्शन ए। ऑलवेज रिएक्शन के केस में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इंटू नंबर ऑफ एटम जिसका निकाल रहा हो, अगर इसका निकालते हैं तो नंबर ऑफ एटम 3 लेते राइट, और मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे इन फैक्टर में, तो आपको इक्विवेलेंट या फ्राइडेज आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखो, अगेन फ्राइडेज पूछ रहा है मतलब इक्विवेलेंट पूछ रहा है। टू रिड्यूस 1 मोल, मोल गिवन है Cr2O7-2Cr+3, तो आप ये रिएक्शन लिखो Cr2O7-2 से कहाँ जाना है Cr+3 में। हमें निकालना है किसका, वो ध्यान दे, क्वांटिटी ऑफ फ्राइडे का टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ दिस, इसका 1 मोल, तो मोल हो गया 1। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो चेंज कितने का ध्यान से देखो 6 से 3 में जा रहा है, चेंज हो गया 3 का, इंटू नंबर ऑफ एटम इसकी बात कर रहे हैं तो एटम कितना है 2, तो 2 तो कितना हो जाएगा 6। सो ऑप्शन विल बी बी। लेकिन अगर वही इसका पूछता तो क्या हो जाता, इसका मोल्स गिवन होता राइट, इसका मोल्स जो भी मान लेते हैं एक्स इंटू, चेंज तो अभी भी वही रहता है 3, लेकिन नंबर ऑफ एटम यहाँ पे एक ही है तो 1 होता। बस ये पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग ए करंट ऑफ 9.65 एम्पियर फॉर 16 मिनट एंड 40 सेकेंड के लिए, तो आपको वॉल्यूम ऑफ गैस बताना है एट STP। अब ये सब क्वेश्चन को देखते ही बच्चे क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ देखो कितने सिंपल वे में मैं कर रहा हूँ, उसी ट्रिक से। आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, करंट का और टाइम का, तो क्या हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ट्रिक बता रखा हूँ। अगर करंट और टाइम गिवन हो तो इक्विवेलेंट क्या होगा, ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू करंट 9.65 एम्पियर इंटू टाइम, टाइम सेकंड में लेना है 16 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड राइट, तो 960 प्लस 40 मतलब 1000 सेकंड हो गया ये, डिवाइडेड बाय क्या करना है 9650 से। तो इसका डेसिमल से आप इधर नीचे 100 कर सकते हैं, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, ये 965 से ये 10 टाइम्स में, तो डायरेक्ट देखो 1/10 इक्विवेलेंट हो गया, डेट इज 0.1 इक्विवेलेंट हो चुका है आपका। नाउ किसको इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, तो H2SO4 को, तो H2SO4 से क्या क्या मिलने वाला है, H+SO4-2, यू नो कैटायन कहाँ जाएंगे, कैथोड पे, CC आपको दिया था ट्रिक, कैटायन कैथोड पे, और आपको क्या मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस। एनायन कहाँ पे जाएंगे, एनोड पे, लेकिन ये CBI का पार्ट नहीं है, तो वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या मिलेगा O2 गैस। तो पहले तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे वो भी आपको बता रखा हूँ राइट, तो कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है, एनोड पे ऑक्सीजन। यू नो कि एट ईच इलेक्ट्रोड इक्विवेलेंट विल बी सेम, तो इसलिए मैंने ये इक्विवेलेंट निकाले, इसका मतलब हाइड्रोजन का कितना इक्विवेलेंट है 0.1, ऑक्सीजन का कितना इक्विवेलेंट है 0.1, दोनों का इक्विवेलेंट सेम होगा। अब इक्विवेलेंट से क्या मैं मोल निकाल सकता हूँ, तो यस डेफिनेटली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर, हाइड्रोजन का एन फैक्टर बता रखा हूँ, एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से मोल आपका क्या गया बताओ मेरे को, मोल कितना गया 0.1/2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या हो जाएगा, मोल इंटू एन फैक्टर, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं राइट, तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ऑक्सीजन है तो 4, तो क्या हो जाएगा एन फैक्टर 4, तो यहाँ से मोल कितना हो गया ऑक्सीजन का बताओ 0.1/4। तो देखो आप दोनों के आपको क्या आ गए हैं, मोल आ चुके हैं, यहाँ पे दोनों का इक्विवेलेंट सेम था, मोल सेम नहीं होते हैं ये ध्यान देना, सॉरी ये इक्विवेलेंट आपको आ चुका था, अब मोल आ गया। यू नो STP कंडीशन पे 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, अगेन आपको क्या रहा है किसमें, सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है 1 ml, तो यू नो STP पे अगर मैं बात करूं तो 1 मोल ऑफ एनी गैस 22400 ml हो जाएगा राइट, तो इतना मोल का वॉल्यूम कितना होगा बताओ 0.1 × 2 × 22400। और सिमिलरली अगर इसका निकालूंगा तो कितना हो जाएगा बोलो 0.1/4 ×
22400, तो ये इतना वॉल्यूम आपको आ जाएगा, राइट। इस पॉइंट से एक जीरो कैंसिल भी कर सकते हो, और यहाँ से 21 the 21 the 22 the, राइट, तो 1120 1120 ml आपका हाइड्रोजन का वॉल्यूम मिलने वाला है। और अगर इसका कैंसिल करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 4 5 the 20 24, तो ये हो जाएगा 560। तो ये 560 ml आपको ऑक्सीजन का मिलने वाला है। लेकिन आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, सिर्फ बोला वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी, तो इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रोड का आपको बताना है। अगर वो मेंशन करता कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनोड, तो फिर एनोड मतलब आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताना होता, वॉल्यूम प्रोड्यूस एट कैथोड तो फिर आपको हाइड्रोजन का बताना होता। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, तो दोनों का बताना है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, 1120 प्लस 560, राइट, तो आपको इतना ml मिलने वाला है। तो ये जस्ट मैं एक आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ, राइट। मैं 100 क्वेश्चन तो नहीं करा सकता, लेकिन मैं एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि आप 100 क्वेश्चन को कैसे कर लोगे इजीली मेरे इस सिंपल ट्रिक से। ऑलवेज क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे आप इक्विवेलेंट निकाल लो, और एक बार आपको इक्विवेलेंट आ गया तो वो हर इलेक्ट्रोड पे वही इक्विवेलेंट रहने वाला है। फिर उसके बाद उस इक्विवेलेंट को यूज कर लो मोल इनटू एन फैक्टर से या अदर फार्मूले से, डिपेंडिंग कि आपको चाहिए क्या। यहाँ पे हमें मोल चाहिए था, क्योंकि वी नो कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, इसलिए हमने मोल इनटू एन फैक्टर का फार्मूला लगाया। एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना ये ट्रिक में दे रखा हूँ। तो मोल आ गया, तो फिर उससे मास पूछता, अगर यहीं पे मास पूछता तो मास भी निकाल सकते थे। ध्यान से देखो, यहीं पे अगर मास पूछता तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके मास। तो इसलिए मैं बस एक बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन का कंसेप्ट एक होता है, लेकिन क्वेश्चन इन्फिनाइट हो सकते हैं, राइट। तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड मास एट कैथोड, कैथोड पे मास बताना है अगर 44.8 लीटर क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ है एनोड पे एट एसटीपी वाया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस एजीसीएल। तो अगेन देखो, इस क्वेश्चन को मैं कैसे इजीली कर रहा हूँ, मेरा हर वक्त या हर क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट रहता है कि हमें इक्विवेलेंट निकाल लेना है। यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, देखो ध्यान से, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या पूछा है वो बाद में, पहले इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या इन्फॉर्मेशन है, वॉल्यूम गिवेन है क्लोरीन का एसटीपी पे, तो मोल इनटू एन फैक्टर से, तो 44.8 को मैं डिवाइड कर दूं 22.4 से, तो ये मोल आ गया, राइट। और इनटू एन फैक्टर किसका इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्लोरीन का, क्लोरीन का एन फैक्टर कितना, 2, राइट, क्यों, एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इक्विवेलेंट आ गया आपको। इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो आप, तो ये 2 टाइम्स में तो 4 इक्विवेलेंट। एक बार अगर आपको इक्विवेलेंट आ गया तो जितना इक्विवेलेंट इसका होगा उतना ही इक्विवेलेंट कैथोड पे भी होगा। अब आप सोचो कि AgCl है, तो Ag प्लस है आपके पास, Cl माइनस है, राइट। ये कैटायन कैथोड पे आएंगे और ये छापा का पार्ट है तो यही रिड्यूस होगा, और ये एनायन एनोड पे आएंगे और ये CbI का पार्ट है तो यही ऑक्सीडाइज होगा। तो इसीलिए क्लोरीन के बारे में दिया कि इतना क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ एनोड पे, राइट। तो जितना इक्विवेलेंट इसका है 4 इक्विवेलेंट, तो वही कहना चाह रहा हूँ इसका भी कितना होगा 4 इक्विवेलेंट। ये मैंने ट्रिक में बोल रखा है, सबके इक्विवेलेंट सेम होते हैं। अब अगर इसका हमें क्या निकालना है, मास, तो इक्विवेलेंट मालूम है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ फिर से मोल इंटू एन फैक्टर, बोलो, लिख सकता हूँ मोल इंटू एन फैक्टर, लिख दिया सर। तो मोल नहीं मालूम है तो वो निकालना है, मान लिया कि मोल एक्स, एन फैक्टर ए जी का मालूम है, यस, देखो ए जी प्लस 1 से 0 में जा रहा है, तो चेंज कितने का, 1, और नंबर ऑफ एटम तो एक ही है, राइट, ए जी में, तो एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से मोल्स भी बाय द वे कितना आ गया आपको ए जी का, बोलो, ए जी का मोल्स भी आ गया आपको, एक्स की वैल्यू आ गई 4 मोल्स। अब क्या ए जी की मोल्स आए तो मास नहीं निकाल सकते क्या, डेफिनेटली निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसीलिए मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 4 into 108, क्योंकि आपको ए जी का एटॉमिक वेट गिवन है। तो ये जितना भी आ जाएगा कितना आ जाएगा, 432 ग्राम। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत इजी होगा, आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में उससे निकाल लेना इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट कैसे निकालना, आपको ट्रिक दे रखा हूँ इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। एक बार इक्विवेलेंट निकल गया तो वही इक्विवेलेंट कैथोड पे भी होगा और एनोड पे भी होगा, राइट।
प्रोडक्ट कैसे एनालाइज करेंगे, क्या मिलेगा कैथोड एनोड पे, उसके लिए मैं सिंपल फर्स्ट लेक्चर में आपको बता रखा हूँ। एक बार आपको वो पता लग गया, एन फैक्टर कैसे निकालना है वो भी पता लग गया, तो मोल्स आ जाएगा। मोल्स आ गया तो उससे मास आ सकता है, उससे एटम। जरूरी नहीं कि ये मास ही पूछा, अभी पूछता है कि नंबर ऑफ एटम, तो 4 into क्या हो जाता है Na, राइट। तो इस टाइप से कुछ भी पूछा जाए तो आप इजिली कर लोगे। ज्ञान की बात में मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलाने जा रहा हूँ जिसका कहना हम लोग आज तक मान रहे हैं, डैट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैराडेज लॉ। तो देखो इसका कहना बहुत सिंपल था, इनका कहना था कि जितना ज़्यादा चार्ज आप पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उतना ज़्यादा मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पे। तो अकॉर्डिंग टू हिम W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास्ड, राइट। और इसलिए इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट उन्होंने यूज किया, डैट इज W इज इक्वल टू Z into Q, वेयर Z इज वॉट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ओके। और यू नो जो करंट होता है I, वो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, तो Q इज इक्वल टू I into T। तो इसलिए मैं W को ऐसे भी लिख सकता हूँ Z into I into T। तो ये फार्मूला आपको कब यूज करना है, जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट गिवेन हो तभी आप यूज करेंगे करंट एम्पियर में और टाइम सेकंड में, तो आपको मास डिपॉजिट या लिबरेट आ जाएगा इलेक्ट्रोड पे, ओके। नाउ जेड का अगर निकालने का बात आए तो कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट को डिवाइड कर देना 9650 से। ये फार्मूला कैसा आया तो उसको भी समझाता हूँ। तो ये तो उसका कहना था, उसका सिंप्लीफाइड वर्जन इधर है। वी ऑलरेडी नो इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर से, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू IT/9650, राइट। तो मोल को मैं क्या लिख सकता हूँ, गिवन वेट बाय मॉलिकुलर वेट इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू IT/9650। हमें वेट निकालना, वेट को इस साइड रखा, मॉलिकुलर वेट उस साइड जाएगा, एन फैक्टर डाउन में जाएगा, तो मॉलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर 9650 एज इट इज IT। तो कभी भी मॉलिकुलर वेट में एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट बाय 9650 इंटू करंट इंटू टाइम। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ आपका W है, राइट, यहाँ भी W है वेट, यहाँ पे I into T है, यहाँ पे भी आपका I into T है। तो इसका मतलब जेड किसके बराबर है, इक्विवेलेंट वेट बाय 9650 जिसको मैंने यहाँ लिखा है। तो कभी भी जेड निकालना हो तो इक्विवेलेंट वेट को 9650 से डिवाइड कर दो। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मॉलिकुलर वेट में डिवाइड कर देंगे एन फैक्टर से। एन फैक्टर आपको कैलकुलेशन बता रखा हूँ। और 9650 कहाँ से आया, तो यू नो 1 Farad इज इक्वल टू 9650 कूलम, राइट। इन्होंने 1 mole इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अपने नाम पे 1 Farad कर दिया था, राइट। हेलो बच्चों, कैसे हो, आज हम लोग बात करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो देखो अगर सिंपल वर्ड में मैं बोलूं तो जब आप अपने मोबाइल में रफ़ी सर का वीडियो लेक्चर देख रहे होते हो तो आपका मोबाइल एक्चुअली गैल्वेनिक सेल की तरह वर्क कर रहा होता है। डैट मीन्स आपकी केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। तो वो कैसे, तो समझो, तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा आपको डायग्राम दिखाया है जिसमें जिंक का मैंने एनोड लिया है और कॉपर का कैथोड लिया है, ओके। एनोड मेरा किसका है, जिंक का, और कैथोड किसका है, कॉपर का। तो इस कंडीशन में इसको बोलेंगे डैनियल सेल। क्या बोलेंगे, डैनियल सेल। डैट मीन्स इलेक्ट्रोड अगर आपने फिक्स कर दिया, जिंक का है एनोड और कॉपर का है कैथोड, तो बोलेंगे डैनियल सेल। अगर ये नहीं होता तो क्या बोलते, गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया कि जितने भी गैल्वेनिक सेल हैं वो डैनियल सेल होंगे, नॉट करेक्ट, बट ऑल डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल होंगे, करेक्ट है, ओके। नाउ समझो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 compartment बनाया है, राइट, एक लेफ्ट और एक राइट, ये L से लेफ्ट हो गया, ये R से राइट हो गया। तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन एनोड है कौन कैथोड है, तो उसके लिए सिंपल सा ट्रिक दिया रफी सर ने, लोन वर्ड। क्या करना है, सेल को लोन पे खरीदना है। लोन कहने का क्या मतलब है, कि लेफ्ट में ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा और वो एनोड होगा और वो जो प्लेट होगी वो निगेटिवली चार्ज होंगी। वेरी सिंपल है, लोन वर्ड याद रखना, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड और N फॉर निगेटिव। डैट मीन्स आपका एनोड इस केस में निगेटिवली चार्ज प्लेट है जिसपे ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। और आप कैसे पहचानेंगे कि किसी गैल्वेनिक सेल में कि कौन एनोड है, तो वो लेफ्ट वाला पार्ट होगा तो वो एनोड, तो राइट वाला क्या हो जाएगा, कैथोड।
तो यहाँ पे इसलिए मैंने जिंक को एनोड लिखा है क्योंकि ये लेफ्ट में और ये राइट में, तो इसको मैंने कैथोड लिखा है। यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान से देखो, जैसे ही आप ये वायर को कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, जिंक आपका ZN प्लस टू में डिजोल्व होकर के किस में आ जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएगा, राइट। जिंक की प्लेट धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होंगी तो ZN प्लस टू में आएगा। इसलिए ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे ये जिंक की रॉड को क्या किया, धीरे धीरे थिन कर दिया, पतला कर दिया, राइट। क्यों, क्योंकि जिंक जो है आपका जिंक रॉड वो ZN प्लस टू के फॉर्म में सॉल्यूशन में आता जाएगा, राइट, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और इधर क्या होगा, जो कॉपर प्लस टू है आपका सॉल्यूशन में, जो कॉपर प्लस टू प्रेजेंट है वो धीरे धीरे कॉपर की प्लेट पे डिपॉजिट होते जाएंगे। इसलिए ध्यान से देखो तो मैंने इसको थोड़ा थिक कर दिया है, थोड़ा मोटा कर दिया, राइट, बात समझ में आई। तो हमने इस लेफ्ट साइड में क्या किया, जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया, उसमें जिंक रॉड डिप किया, इधर कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया और उसमें कॉपर डिप कर दिया। ये एक मैंने सॉल्ट ब्रिज दिखाया, ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज। डेट मीन्स ये ऐसा क्यों किया, ध्यान से देखो, जब आपका जिंक ZN प्लस टू में आएगा तो इधर क्या होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आपका इंक्रीज होता जाएगा, ये बात तो क्लियर है, राइट। क्यों, क्योंकि जिंक ZN प्लस टू में आ रहा है, ZN प्लस टू ऑलरेडी जो सॉल्ट लिया वहां से था, प्लस और जिंक की रॉड से ZN प्लस टू सॉल्यूशन में आ रहा है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। और इधर में क्या होगा, ध्यान से देखो, कॉपर प्लस टू सॉल्यूशन से कॉपर पे डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर प्लस टू कम हो रहा है, मतलब सल्फेट आयन निगेटिव चार्ज इधर इंक्रीज हो रहा है। ये मैंने ऐसा क्यों समझाया, क्योंकि ध्यान से देखो, जब जिंक आपका ZN प्लस टू के फॉर्म में इसमें आ जाएगा, ZN प्लस टू के फॉर्म में, तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ जाएंगे, राइट, जो दो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया और वो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे और करंट का फ्लो होगा, इसलिए आपका वर्क करेगा, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को वो जाने नहीं देगा, इसलिए ये सेल कुछ देर के बाद वर्क करना बंद कर देता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ भी गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। निगेटिव इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएंगे, वो रिपेल हो जाएंगे, तो कुछ देर के बाद ये सेल आपका बंद कर देगा काम करना। इसीलिए इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज ऐड कर देते हैं और इसमें कैटायन और एनायन जेली फॉर्म में रख देते हैं, जिससे क्या होता है, अब ध्यान से देखो, इधर पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए इधर की तरफ कौन आ जाएगा, सॉल्ट ब्रिज का निगेटिव वाला पार्ट, तो न्यूट्रलाइज कर देगा, और इधर निगेटिव बढ़ रहा है तो सॉल्ट ब्रिज का कौन वाला पार्ट इधर आएगा, पॉजिटिव वाला, और न्यूट्रलाइज कर देगा, फिर से आपका सेल वर्क करने लगेगा। तो ये कंसेप्ट है वर्किंग का, राइट। अब हर बार हम सेल को इतना बड़ा या ऐसे करके नहीं दिखा सकते, तो सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, डेट इज पॉइंट नंबर टू। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्ट ब्रिज को ऑलवेज डबल वर्टिकल लाइन से शो करते हैं, सॉल्ट ब्रिज को ऑलवेज डबल वर्टिकल लाइन से शो करेगा, और अगर सिंगल वर्टिकल लाइन है तो वो फेज चेंज को बताता है, किसको बताएगा, फेज चेंज को, जैसे सॉलिड से लिक्विड में हो गया या लिक्विड से गैस, जो भी, तो अगर सिंगल वर्टिकल लाइन है तो वो फेज चेंज को बताएगा, डबल वर्टिकल लाइन जो है वो सॉल्ट ब्रिज है। तो आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, डबल वर्टिकल लाइन, राइट। डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड वाला ऑलवेज क्या होगा, एनोड। डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड वाला ऑलवेज क्या होगा, एनोड, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और राइट साइड वाला ऑलवेज होगा कैथोड। इसीलिए जब हमें मान लो कि एक वर्टिकल लाइन ना देकर के कॉमा दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, सेम फेज है। जैसे फॉर एग्जांपल Fe प्लस टू Fe प्लस थ्री, ये दोनों कहाँ पे होंगे, सॉल्यूशन में होंगे, एक्वा सॉल्यूशन में, तो दोनों का एक्वस एक्वस सेम फेज है, राइट। तो इसलिए इसको कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे, एक वर्टिकल लाइन होगा तो वो फेज चेंज को बताएगा, डैट मीन्स इधर सॉलिड होगा इधर लिक्विड ऐसा, या लिक्विड गैस, फेज का जरूर चेंज होगा, और डबल वर्टिकल लाइन ऑलवेज सॉल्ट ब्रिज को बताएंगे। अब जो मेन क्वेश्चन है कि वो आपसे क्या पूछेगा, फाइंड ई नॉट ऑफ सेल। यहाँ पे नॉट का मतलब क्या है, कहीं पे भी नॉट का मतलब, नॉट का मतलब है कि स्टैंडर्ड कंडीशन है वो। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कंसंट्रेशन वी आर टेकिंग वन मोलर, जो भी आपका एक्वा सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसका कंसंट्रेशन वन मोलर ले रहे हैं, अगर वो गैस है तो उसका प्रेशर वन बार लेना है, टेम्परेचर जो क्वेश्चन में मेंशन होगा वही ले लेते हैं, अगर नहीं मेंशन है तो हम रूम टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर पे डैट मीन्स कोई कंडीशन नहीं है स्टैंडर्ड के लिए, बट कंसंट्रेशन पे कंडीशन है, वन मोलर होना चाहिए, प्रेशर गैस है तो वन बार होना चाहिए, अगर गैस है तो प्रेशर वन बार होना चाहिए, टेम्परेचर जो क्वेश्चन में मेंशन है वही हो जाएगा, नहीं तो रूम टेम्परेचर लेते हैं। कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए मैं 27 डिग्री सेल्सियस भी लूँगा, डैट मीन्स 300 केल्विन ले सकते हैं। तो जब भी आपको E0 सेल निकालना होगा स्टैंडर्ड वाला, तो क्या करना है,
वी नो कि एनोड पे क्या होता है, ये ए फॉर एनोड है, एनोड पे क्या होता है ऑलवेज ऑक्सीडेशन, तो हमें एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है। कैथोड पे क्या होता है ऑलवेज रिडक्शन, तो हमें कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। ध्यान से देखो, ये वाला बस एक ही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, बुक में बहुत सारे इसके फॉर्मूले बना रहते हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस, दिस डेट, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं, मेरे को जो मालूम है बस मैं वही करूंगा। मेरे को क्या मालूम है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का निकालूंगा, और कैथोड पे रिडक्शन होता है तो मैं कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालूंगा। अगर क्वेश्चन में एनोड पहचान लोगे कैसे, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड वाला एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो वही वैल्यू पुट कर देना है, और अगर मान लो रिडक्शन गिवन है तो सिर्फ क्या कर देना, उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? पॉइंट नंबर 5, कभी भी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, दैट मीन्स दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। मान लो ये 5 है तो ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू में 5 होंगे, लेकिन माइनस लगा रहेगा तो ये माइनस 5 हो जाएगा। तो इसीलिए हमें एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। अगर वही गिवन है क्वेश्चन में तो एज इट इज पुट कर दो, नहीं गिवन है, वो रिडक्शन गिवन है, तो सिर्फ क्या कर दोगे उसको, उस वैल्यू को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपको कैसे पता लगेगा कि ऑक्सीडेशन गिवन है रिडक्शन, तो वेरी सिंपल, यहां पे ध्यान से देखो, आयरन प्लस 2 से कहां जा रहा है, जीरो में, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहे हैं तो रिडक्शन है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन, और यहां पे नॉट लगा दिया तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया ये, राइट। तो अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो जो वैल्यू गिवन वही पुट कर दूंगा, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए होगा तो जो वैल्यू गिवन उसमें सिर्फ क्या करोगे, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर कहीं पे ऐसे गिवन है, ध्यान से देखो, तो यहाँ भी प्लस 2 से 0 में जा रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल सिर्फ बोलेंगे, आरपी का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, तो सिर्फ इसको रिडक्शन, स्टैंडर्ड नहीं, क्यों, क्योंकि नॉट नहीं लगाया, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, कि ये किस कंडीशन में, ये वाला जो कैलकुलेट किया गया वो कंसंट्रेशन 1 मोलर रखा गया, और अगर गैस होता तो प्रेशर 1 bar, राइट। बट ये इसको छोड़ करके 1 मोलर या 1 bar को छोड़ करके किसी भी कंडीशन में, तो इसको बोलेंगे सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर इस कंडीशन में तब स्टैंडर्ड बोलेंगे। तो आप क्वेश्चन को पढ़ करके समझ जाओगे कि आपको क्या गिवन है, इसीलिए मैं थर्ड वाले फॉर्मूले पे काफ़ी जोर दे रहा हूँ, ये हमें निकालना है। कभी भी आपको सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना हो तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है इसलिए उसका मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, कैथोड पे रिडक्शन होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, दोनों को मेरे को जोड़ देना है, बस यही फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चन में आप देख लो, अगर यही गिवन है तो एज इट इज पुट करो, और अगर नहीं गिवन है तो इस वाले कंसेप्ट आप चेंज कर करके पुट करो। नाउ नेक्स्ट, अगर कहीं पे आपको स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी पूछा जाए, डेल्टा जी नॉट, तो वो भी आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। आपको कैसे निकालना है, माइनस एन एफ ई नॉट से, ए ई नॉट आपको अब यहाँ बता दिया कैसे निकालना है, एफ फिक्स है राइट, 96500, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल है, आपको एक सेल रिप्रेजेंट करके गिवन होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये सेल रिप्रेजेंट करके गिवन है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जिंक 0 में, इधर में प्लस 2 में, राइट, इधर कॉपर प्लस 2 में और कॉपर 0 में, तो यहाँ पे बाय द वे दोनों का सेम चेंजेज हो रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और अगर मान लो कि सेम चेंज नहीं होता, मान लो कि यहाँ पे जस्ट सपोज कि यहाँ पे कुछ x है और यहाँ पे कुछ y है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो n की वैल्यू क्या हो जाती है, x इंटू वाई, डायरेक्ट आप क्या कर देते, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो ध्यान दे, इस पॉइंट पे ध्यान दे कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट एनोड पे और कैथोड पे सेम है तो एन की वैल्यू वही हो जाएगी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आइदर साइड, बट अगर एनोड और कैथोड पे ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, जैसे यहाँ एक्स और यहाँ वाई है, तो एन की वैल्यू जो आप पुट करोगे यहाँ पे एन, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई। ओके, ध्यान रहे, जब अलग अलग होगा तभी मल्टीप्लाई करना है, सेम होगा, मान लो कि इधर भी जेड है, सपोज करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और इधर भी जेड है, तो जेड इंटू जेड मत कर देना, सिर्फ एक जेड लिखना है, बट अगर डिफरेंट है तो एक्स इंटू वाई होगा एन की वैल्यू। नाउ ये सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल के रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या बताया, सॉल्ट ब्रिज, ये क्या हो गया, वर्टिकल लाइन से सॉल्ट ब्रिज, एक बार आपने सॉल्ट ब्रिज आइडेंटिफाई कर लिया, डबल वर्टिकल लाइन, तो इधर वाला पूरा का पूरा क्या है, एनोड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और उधर का पूरा कैथोड के बारे में। तो एनोड पे क्या होता है ऑलवेज ऑक्सीडेशन, तो ध्यान से देखो, जिंक 0 से कहाँ जा रहा है, प्लस 2 में, ऑक्सीडेशन।
तो इस टाइप से दे दिया। ये सिंगल लाइन क्यों आई, क्योंकि जिंक आपका सॉलिड था, मेटल सॉलिड था, और Zn प्लस टू एक्वस में जा रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड है, गैस फेज चेंज हो गया, इसलिए एक वर्टिकल लाइन, राइट। तो ऐसे करके रिप्रेजेंट करके देगा, ध्यान से देखो, जिंक Zn प्लस टू एक्वस, तो ये हो गया। और वैसे ही कॉपर प्लस टू जो वाटर में था वो आपका कॉपर पे चिपक रहा है, राइट। तो कॉपर प्लस टू एक्वस, चूंकि फेज चेंज हो रहे हैं, तो एक वर्टिकल लाइन दिया, और ये तो एक ये रिप्रेजेंट करने का तरीका। एक और इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि Zn से Zn प्लस टू, और यहाँ पे ब्रैकेट में सम कंसंट्रेशन मेंशन कर देगा, जैसे यहाँ पे 0.5 मोलर, तो ये कंसंट्रेशन किसका है, Zn प्लस टू का, जो सॉल्यूशन में, राइट। और इधर भी कॉपर प्लस टू का कंसंट्रेशन मेंशन कर दिया है, और ऐसे करके दे सकता है। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से भी ध्यान दे, इस पॉइंट से भी एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है कि यहाँ पे अगर मैं गलती से कंसंट्रेशन 1 मोलर और यहाँ पे भी 1 मोलर कर देता, तो ये क्या हो जाता, स्टैंडर्ड हो जाता, फिर ये क्या हो जाता, स्टैंडर्ड हो जाता। तो कभी कभी वो क्वेश्चन में आपको बोलेगा नहीं, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देगा, तो इसलिए आपका आँख और दिमाग दोनों खुला होना चाहिए कि वो कंसंट्रेशन क्या मेंशन किया है। अगर दोनों 1-1 मोलर होते तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड है, और अगर कोई भी एक डिफरेंट हो गया, 1 से कोई अदर वैल्यू हो गई, तो वो फिर नॉन स्टैंडर्ड है। बात समझ में आ गई। एक और रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे भी है, इसी सेल को देखो बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन सब में बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। डबल वर्टिकल लाइन को आपको बस आइडेंटिफाई करना, इधर एनोड है, उधर कैथोड है। यहाँ पे कैसे दे सकता है, Zn से Zn SO4 पूरा लिख करके भी दे सकता है, राइट। और सम ऑफ द कंसंट्रेशन उसका मेंशन कर सकता है C1 मोलर में, और कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन दे सकता है C2 मोलर, और इधर कॉपर, तो ये भी एक है। तो एक्चुअली में आपको कैसे पहचानना है, तो हमें देखना है कि क्या हो रहा है, जिंक 0 में था, इधर प्लस 2 में, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर कॉपर प्लस 2 में और कॉपर 0 में, तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, दैट्स मीन। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी करेगा कि कॉपर से कॉपर सल्फेट दे देगा, इसको उल्टा करके दे देगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कॉपर कॉपर प्लस टू में जा रहा है। क्यों, क्योंकि भगवान ने इसको वरदान में दे रखा है, अगर ये वर्टिकल लाइन है तो इधर आपका क्या है, कैथोड ही है, और कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होता है। कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि वो इसको पलट करके दे दे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि चीज़ें फिक्स हैं, वर्टिकल लाइन के, डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड वाला ऑलवेज एंड ऑलवेज एनोड होगा, और उस पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। बात समझ में आ गई। तो ऐसे आपको रिप्रेजेंट करके दे सकता है। जैसे एक और मैंने लिया है, कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट करके देता है, और बच्चे पूरा घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है बेटा, रफ़ी सर साथ में, ध्यान से देखो। अगेन वही पॉइंट, एक ही पॉइंट को ध्यान में रखो, ये डबल वर्टिकल लाइन हो गया, तो ये मेरा सॉल्ट ब्रिज हो गया, इधर वाला एनोड है, उधर वाला कैथोड है, राइट। लेफ्ट में एनोड होते हैं, राइट में कैथोड होते हैं, वेरी सिंपल। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम कैसे पहचानेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, यहाँ पे H किस में है, प्लस 1 में, इधर कहाँ है, 0, तो मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट्स इट। बाकी क्या क्या लिख के दे दिया उससे हमें नहीं लेना है कुछ। यहाँ पे सी एल माइनस है, यहाँ पे पी टी है, बच्चे सोचने लगते हैं अरे जो है रहने दो, उससे क्या लेना है, हमें कुछ नहीं लेना है, वो बाद में हम समझ लेंगे, राइट। उसका कोई यूज नहीं है। बाय द वे, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कहाँ पे होगी, प्लेटिनम पे, इसलिए प्लेटिनम दिया है। या फिर आप वायर किस में कनेक्ट करोगे, हाइड्रोजन गैस में कनेक्ट करोगे क्या, नहीं ना, तो प्लेटिनम की रॉड में कनेक्ट करेंगे, इसलिए वो दिया है। तो एक्चुअली में आपको देखना है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, वो एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे H प्लस 0 में जा रहा, मतलब मुझे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे AgCl से Ag, तो घबराना नहीं है, Ag यहाँ पे प्लस 1 में 0 में, मतलब Ag का मुझे लिखना पड़ेगा। Cl का क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं, आपको होना चाहिए। तो आई होप ये आपको पूरा फंडा समझ में आया होगा। ये मेरे ट्रिक के 5 पॉइंट है, वेरी सिंपल। तो चलिए हम बात करते हैं अप्लीकेशन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक रिएक्शन आपको गिवन है, और इस रिएक्शन को कौन सा सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हो। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। यहाँ पर हाइड्रोजन आपका 0 में है, और यहाँ पर प्लस 1 में आया वो, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर Ag आपका प्लस 1 में, और यहाँ पर 0 में आया, तो Ag का क्या हो गया, रिडक्शन। तो मैंने आपको एक ट्रिक दिया था लोन वर्ड कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है और एनोड होता है, तो यहाँ पे आप सॉल्ट ब्रिज पहचान लोगे, राइट, आपको बता रखा हूँ। तो इसका मतलब सारे लेफ्ट वाले क्या हैं, एनोड, और इधर वाले क्या हैं, कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का H प्लस में,
तो हाइड्रोजन यहाँ जीरो से एच प्लस में जा रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ तो है ही नहीं तो ये ऑप्शन गया। यहाँ हाइड्रोजन जीरो से प्लस वन में जा रहा है तो ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर हाइड्रोजन जीरो से प्लस वन दिखाया नहीं तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नाउ राइट साइड में कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, AgCl सॉलिड जा रहा है Ag सॉलिड में, राइट। तो AgCl सॉलिड, Ag सॉलिड में यहाँ है वो, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है आपका AgNO3 सॉल्यूशन है, नाइट्रेट तो कहीं पे है ही नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ओनली ऑप्शन ए इज पॉसिबल। तो इसलिए मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि मैं एक क्वेश्चन को लेकर के उसमें जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 100 प्रॉब्लम तो करा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं 3-4 प्रॉब्लम लूँगा और उसमें सारे कंसेप्ट को डिस्कस करूँगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कि आपको एक रिएक्शन गिवेन है, उस रिएक्शन का डेल्टा जी गिवेन है एट 500 डिग्री सेल्सियस, तो उस रिएक्शन का EMF बताना, ECL बताना। तो देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे अगेन कैसे करना है, तो आपको एक रिलेशन बता रखा हूँ कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस में NFE, राइट। तो आपको डेल्टा जी गिवन है, N इस रिएक्शन के थ्रू पता करना होगा, F की वैल्यू आपको मालूम है 96500 और E निकालना है, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन का यही होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट किया गया है। तो डेल्टा जी आपका 940 किलो जूल है, राइट, किलो जूल है, तो आप चाहो तो उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। एन वैल्यू निकालना, रिएक्शन के केस में एन कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे एल्युमिनियम आपका प्लस 3 में और यहाँ पे कहा जा रहा है 0 में, चेंज कितने का हो गया, ध्यान से देखो, चेंज हो गया 3 का, और कितने एल्युमिनियम चेंज हुए हैं, तो ध्यान से देखो 2 to the 4, 4 by 3, तो 4 by 3 एल्युमिनियम, तो 3 से 3, तो कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, 4 का। ऐसे भी आप चेक कर सकते थे, यहाँ ऑक्सीजन कितना में, -2 में, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना में गया, 0 में, तो यू नो एक ऑक्सीजन को -2 से 0 आने में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन, कैसे भी आप निकाल सकते हो एनी हाउ। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हो गई 4, 96500 और ये ई आपको निकालना था, तो यहाँ से ई आ जाएगा। आप ये 20 से 20 कैंसिल कर सकते हो, आप ये कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट अप्रॉक्स में 2.5 वोल्ट, तो आंसर विल बी डी। तो देखो ये क्वेश्चन तो हो गया, राइट, लेकिन मैं अब क्या कहना चाहूँगा, ध्यान से देखो इसमें क्या क्या किया जा सकता था। जैसे यहाँ पे डेल्टा जी दिया है, और क्या कर सकता है वो, कि इस रिएक्शन का आपको डेल्टा एच दे दे, राइट, इस रिएक्शन का क्या करेगा, डेल्टा एच दे देगा, तो यू नो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट, तो आपको डेल्टा एच दे देगा। इस रिएक्शन का अगर मैं ई सेल दे देता तो इसका मतलब डेल्टा जी दे दिया आपको, तो फाइनली इनडायरेक्ट वे में ई सेल दे करके डेल्टा जी दे देता, और आपको टेम्परेचर गिवन था तो डेल्टा एस पूछा जा सकता था। तो जस्ट मैं कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट किया जा सकता है, रीजन क्योंकि डेल्टा जी और ई सेल रिलेटेड हैं, तो आपको घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। इसलिए कंसेप्ट पे ध्यान देना, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में एक आपको सेल रिप्रेजेंट करके दिया है, और उसका ई नॉट सेल गिवन है डेल्टा जी नॉट किलो जूल पर मोल में पूछा जा रहा है। तो अगेन इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस में एन एफ ई नॉट। यहाँ पे ई नॉट आपको गिवन है, एफ की वैल्यू मालूम है 96500, ओनली थिंग इज कि एन निकालना है। तो जब सेल रिप्रेजेंट करके दे तो एन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने सिंपल सा ट्रिक दिया था कि दोनों साइड आप देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर प्लस वन है इधर प्लस वन है, तो आपको बताया था कि अगर दोनों साइड सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड अगर सेम चार्जेज हो तो एन की वैल्यू वही हो जाएगा, कोई एक चार्ज को लिख देंगे 1। जैसे मान लो सपोज करो इधर प्लस 2 होता, इधर भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 होता, तो एन की वैल्यू क्या हो जाता, सिर्फ 2। बट अगर मान लो कि इधर प्लस 2 है और इधर प्लस 3 ऐसा कुछ होता, डिफरेंट होता, तो एन की वैल्यू क्या होता, 2 × 3, दैट मीन्स 6। तो आपको बताया था कि सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड में अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो फिर वही n की वैल्यू हो जाएगा, और डिफरेंट है तो दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देना, राइट। तो यहाँ पे 1 1 है तो n की वैल्यू हो गया 1, एफ 96500, ई नॉट ध्यान से देखो, ये इतना बड़ा वैल्यू मैं नहीं लूँगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं 0.5 डेट मीन्स 1/2 ले रहा हूँ। वी नो ऑलरेडी कि हम छोटी वैल्यू ले रहे हैं, तो जो भी आंसर आएगा उससे थोड़ा बड़ा वाला टिक करना है, राइट। और ये तो जूल में आया, किलो जूल में ले जाना है तो 1000 से डिवाइड, तो ये 20 से 20 कैंसिल, ये 10 से ये 96.5, 2 से करेंगे तो ये कितना आ रहा है,
48.25 इसके आसपास। तो यू नो ये जो मेरे को वैल्यू आया है ये थोड़ा छोटा वैल्यू लिए हैं, और जबकि वैल्यू थोड़ा सा इससे बड़ा होगा। इससे बड़ा कौन है ध्यान से देख लो, 48 के आसपास में 51। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, क्यों? क्योंकि आपको नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला है, वो जस्ट आपके अप्रोच को चेक करना चाह रहा है, इसीलिए आपको कैलकुलेशन से बचना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कि आपको एक सेल रिप्रेजेंट करके दे दिया है और ई नॉट ऑफ दिस एंड दिस ये आपको गिवन है। ZN प्लस 2 से ZN का 4 वोल्ट है, AG से AG प्लस का माइनस में 2 वोल्ट है, तो ई नॉट सेल बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन देखो कैसे सिंपल ट्रिक से करना है। मैंने आपको क्या बताया था, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड वाला ऑलवेज एनोड होता है और राइट वाला कैथोड होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो इसलिए ई नॉट सेल का मेरा फार्मूला क्या था, ध्यान से देखो ई नॉट सेल का फार्मूला, ई नॉट सेल इज इक्वल टू मैंने बोला था ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है एनोड का, प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन कहाँ पे होता है कैथोड का, मुझे बस यही मालूम है राइट। तो अब आपने पहचान लिया ये एनोड है, तो एनोड का आपको क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्वेश्चन में चेक करो क्या गिवन है, 2 से ये कहाँ जा रहा है जीरो में, तो ये आपको क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन, तो क्या करना पड़ेगा, इसको वैल्यू वही रहेगी सिर्फ माइनस साइन लग जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 4 वोल्ट, प्लस साइन प्लस, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर हमें कैथोड पे क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए राइट, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान से देखो, 0 से 1 ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें क्या चाहिए रिडक्शन, तो रिडक्शन चाहिए तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है और फिर से माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 2 वोल्ट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा माइनस में 2 वोल्ट। हेलो बच्चों कैसे हो, आज मैं आपको 2 वेरी कंसेप्चुअल ट्रिक देने जा रहा हूँ जिससे आप कंपिटिटिव एग्जाम में आने वाले प्रॉब्लम को बहुत ईजिली कर सकते हो और करेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ये कंसेप्ट तो है बहुत ईजी लेकिन बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं और क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, तो आपसे वो गलती ना हो इसलिए ध्यान से समझो क्या करना है आपको। कभी भी जब आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना हो तो वहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक वो जहाँ पे सेल आपको रिप्रेजेंट करके दे दिया जाता है, तो अगर सेल रिप्रेजेंट करके दे दिया है तो सिंपल आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे राइट, क्योंकि आपको बता रखा हूँ सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में एनोड होता है, लोनवर्ड से राइट साइड में कैथोड होता है, तो एनोड पे मुझे मालूम है ऑक्सीडेशन होता है इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना उसका, और कैथोड पे रिडक्शन होता है इसलिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना, दोनों को ऐड कर देना ई नॉट सेल आ जाएगा। तो ये एक टाइप हुआ, दूसरा टाइप वो होता है जहाँ पे रिएक्शन आपको गिवन होती है राइट, तो यहाँ पे केयरफुल रहना है क्योंकि बच्चों की गलती यहाँ पे ज़्यादा होती है। रिएक्शन अगर गिवन हो तो चूंकि ई नॉट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होने की वजह से आप डायरेक्ट इसको ऐड नहीं कर सकते, ये नहीं कि एक रिएक्शन का गिवन है दूसरी रिएक्शन का गिवन है तीसरी रिएक्शन का पूछा है, उन दोनों रिएक्शन को अगर ऐड कर रहे हैं तो आप इसको ऐड कर दो, नॉर्मल एडिशन को ये फॉलो नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि इस मार्कर का टेम्परेचर 25 है और इस मार्कर का टेम्परेचर 35 है, दोनों को अगर मैंने अटैच कर दिया तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप टेम्परेचर 60 हो चुका है राइट, यू नो ऑलरेडी। तो जैसे टेम्परेचर एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, वैसे ही ई नॉट सेल भी जो है वो एडिटिव नहीं है, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे सर, तो आपको डेल्टा जी नॉट से जाना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा जी नॉट जो है वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो हर रिएक्शन का डेल्टा जी हम निकाल लेंगे, और अगर रिएक्शन को ऐड करने से थर्ड रिएक्शन मिल रही है तो डेल्टा जी नॉट भी ऐड हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते, और क्वेश्चन को कैसे करना है ये मैं एप्लीकेशन में समझाऊंगा भी। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एप्लीकेशन ई नॉट का, आपको ई नॉट दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ये ध्यान देना है कि जिसका जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगा, ध्यान दें विद साइन हमें कंसिडर करना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा पॉजिटिव में उतना अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्यों, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा मतलब क्या हो गया कि वो उस साइड जाना चाह रहा है, रिड्यूस होना चाह रहा है, तो अगर ये खुद रिड्यूस होगा तो अदर को क्या करेंगे ऑक्सीडाइज, और जो अदर को ऑक्सीडाइज करते हैं उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो अच्छा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बस ये पॉइंट ध्यान रखो, एंड वाइस वर्सा हो जाएगा, अगर मान लो कि
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, राइट। और यू नो कि किसी भी सेल की रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, खुद से होने के लिए जरूरी क्या है, ई नॉट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या ई सेल ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, वैसे ही डेल्टा जी नॉट स्मॉलर देन जीरो होना चाहिए या डेल्टा जी स्मॉलर देन जीरो होना चाहिए। और यू नो अगर रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो, ऑक्सीडेशन निकालना हो तो सिर्फ माइनस साइन को आपको लगा देना है, या फिर ऑक्सीडेशन गिवन हो रिडक्शन निकालना तो माइनस साइन सिर्फ लग जाएंगे, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो अब मैं इस पे बेस एप्लीकेशन की बात करता हूँ। तो देखिए मैंने एक प्रॉब्लम लिया है कि यहाँ पे E नॉट ऑफ पी वी प्लस टू टू पी वी आपको एम वोल्ट गिवेन है, पी वी प्लस फोर से पी वी एन वोल्ट गिवेन है, तो पी वी प्लस टू से पी वी प्लस फोर का कितना होगा, m और n के टर्म में m माइनस एक्स एन है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो ऐसे प्रॉब्लम को बच्चे कैसे अप्रोच करते हैं, ध्यान से देखो। पहले तो ये 2 से 0 में जा रहा है तो ये रिएक्शन को लिख देते हैं पी वी प्लस टू, दो इलेक्ट्रॉन लेकर के पी वी में, राइट। और जैसे गिवन है तो ये एम वोल्ट गिवन आपको, ओके। उसके बाद प्लस 4 से ये 0 में जा रहा है तो ये लिख देते हैं पी वी प्लस 4, 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के पी वी में चला जाएगा, ये एन वोल्ट। और उसके बाद इसको निकालना किसका है, तो पी वी प्लस 2 से पी वी प्लस 4 दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मान लेते हैं इसका कि जो भी है जेड वोल्ट, ऐसा मान लेते हैं, राइट। नाउ उसके बाद वो क्या देखते हैं कि हमें पी वी प्लस 2 किस साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे लेफ्ट में, राइट। और पी वी प्लस 4 राइट साइड में चाहिए, तो इस रिएक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स करके लिखते हैं वो। तो रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, पी वी इज गिविंग यू पी वी प्लस 4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और ये रिवर्स क्या है तो माइनस में एन हो जाएगा। और उसके बाद इन दोनों को ये ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, पी वी से आपका पी वी कैंसल, पी वी प्लस 2 गिव्स यू पी वी प्लस 4, राइट। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया ये। तो चूंकि उनको लगता है कि चूंकि इन दोनों को ऐड किया है तो जेड की वैल्यू क्या लिख देते हैं, एम माइनस एन, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू वो कर देंगे 1, और जिससे क्या हो जाएगा उसका गलत। क्यों गलत हुआ वो समझ ही नहीं पाते हैं। गलत इसलिए हुआ क्योंकि जो आपका ई नॉट सेल है, जो पोटेंशियल है या वोल्टेज है या ईएमएफ है, वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है आपको, राइट। तो एक्चुअल प्रोसीजर क्या है, तो बस ये ध्यान रखना है कि हमें डेल्टा जी से जाना पड़ेगा। तो उसी पॉइंट को यहाँ पर हमने समझाया है, पहले ध्यान से समझो, अगर ये कोई एक रिएक्शन है, राइट, ये कोई रिएक्शन है, ए प्लस टू टू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर ई नॉट इसका सपोज करते हैं जेड वोल्ट है, और डेल्टा जी नॉट मान लेते हैं कि 2 जूल है, जस्ट सपोज करते हैं, राइट, समझाने के लिए, तो 2 जूल है। तो अगर सपोज करो कि मैं इस रिएक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, डैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी भी ई नॉट वही रहेगा, ई नॉट में कोई चेंजेस नहीं आता, बट डेल्टा जी नॉट जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए 4 जूल हो जाएगा, ये चेंजेज होता है। सिमिलरली अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दूँ, रिवर्स करके लिख दिया, तो ई नॉट में माइनस साइन लग गया, पहले प्लस था तो माइनस, वैल्यू वही रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा, और डेल्टा जी नॉट में भी वही होता है। तो ये पॉइंट सिर्फ एक कॉमन है दोनों में, बाकी ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई नॉट में कोई चेंज नहीं होगा, बट डेल्टा जी नॉट में चेंजेज होगा। वैसे ही हम डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते हैं, जो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट एडिशन आप नहीं कर सकते, डायरेक्ट एडिशन किस में अलाउड है, डेल्टा जी में। तो सर फिर हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो वेरी सिंपल, आपने जैसे लिखा वैसे लिखना है, ध्यान से देखो यहाँ पे 2 से 0 में जो गिवन है वही लिखना है, अपने हिसाब से कोई दिमाग नहीं लगाना है, जैसे गिवन है 2 से 0 गिवन है। अगर मान लो पी वी से पी वी प्लस 2 गिवन होता तो पी वी से पी वी प्लस 2 बनाते मैं, तो यहाँ पे 2 से 0 है तो कैसे बनाओगा, ध्यान से देखो, पी वी प्लस 2 दो इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में गया है, पी वी में, इस रिएक्शन का वोल्टेज आपको एम वोल्ट गिवन है, राइट, इस रिएक्शन का आपको ये ई नॉट गिवन है। दूसरी जो रिएक्शन है वो 4 से 0 में, राइट, पी वी आपका प्लस 4 से 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के पी वी में जा रहा है, और इस रिएक्शन का ई नॉट आपको गिवन है एन वोल्ट, राइट। हमें जो पूछा गया है वो पी वी प्लस 2 से प्लस 4, तो प्लस 2 से प्लस 4 कैसे बनेगा, पी वी प्लस 4 वाया गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन, इसका आपको पूछा गया है, जिसको इस फॉर्म में उसने दिया है, और x की वैल्यू आपसे पूछा है, तो आप कैसे करेंगे, देखो ई नॉट है ये, मैं क्या बोलता हूँ,
डेल्टा जी नॉट आप निकालो। डेल्टा जी नॉट कैसे निकालेंगे, तो देखो सम में एफ आएंगे, क्योंकि यू नो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस में एन एफ ई नॉट। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ें कॉमन रहने वाली है, कौन माइनस और एफ, तो सिर्फ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये चेंजेज आ रहे हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन था तो डेल्टा जी नॉट मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 2m, ध्यान दे ये क्या होगा 2m into f, राइट विथ माइनस साइन, तो माइनस और f सब में कॉमन रहेगा, इसलिए मैं उसको पहले निकाल ले रहा हूँ, आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2m, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 4n, राइट। और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मान लेता हूँ कि अगर z है, इसका z है, तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ z, बस ये ध्यान रखना है, जितना इलेक्ट्रॉन दिखेगा उसको उसको मल्टीप्लाई कर देना। अब वो कंसेप्ट लगाओ कि अब मुझे कौन कौन चाहिए, पीवी प्लस टू पीवी प्लस फोर चाहिए मैन रिएक्शन में, पीवी नहीं चाहिए, डैट मीन्स मुझे लेड को कैंसिल करना पड़ेगा, ये दोनों अगर डायरेक्ट ऐड कर दोगे तो ये दोनों लेड एक ही साइड है कैंसिल नहीं होंगे, तो इसलिए एक को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि लेड प्लस टू को लेफ्ट में रखना है प्लस फोर को राइट में रखना है, तो प्लस टू यहाँ पे ऑलरेडी लेफ्ट में है ही, तो इस रिएक्शन को आपको एज इट इज रखना है, और इस रिएक्शन को क्या करना है रिवर्स करना है, तो जब रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 4n, बात समझ रहे हो, और उसके बाद इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे ये रिएक्शन मिल जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गए ऐड, तो कितना आ गया ध्यान से देखो 2z इज इक्वल टू 2m माइनस 4n, इसलिए अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m माइनस 2n, तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये इस तरीके से आपको करना है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि यहाँ पे ध्यान से देखो कॉपर प्लस 2 0 में जब जा रहा है तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.34 वोल्ट, कॉपर प्लस 1 से जब 0 में जा रहा है तो अगेन रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.522 वोल्ट, तो प्लस 2 से प्लस 1 का कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, और ये ऑप्शन आपको गिवन है। तो देखो एक तो जो अप्रोच है जो मैं बता रहा हूँ आप ऐसे करते होगे, राइट, कि प्लस 2 से 0 में जा रहा है तो कॉपर प्लस 2 दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो कॉपर में जाएगा और इस रिएक्शन का 0.34 वोल्ट है, राइट। उसके बाद एक आपका कॉपर प्लस 1 एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो कॉपर में जाएगा, इसका 0.522 वोल्ट है। हमसे पूछा जा रहा है कॉपर प्लस 2 एक इलेक्ट्रॉन लेकर के जब कॉपर प्लस 1 में जाएगा तो इसका मान लेते हैं कि x वोल्ट है, तो यही हमें निकालना है, राइट। तो जो अभी आपको एक अप्रोच बताया क्या करना है, यहाँ 2 दिख रहा है तो ये तो आपका ई नॉट है, आपको डेल्टा जी नॉट से जाना पड़ेगा, यहाँ 2 दिख रहा है तो 2 इंटू 0.34 करना पड़ेगा, यहाँ 1 है तो 1 इंटू 0.522 वोल्ट करना पड़ेगा, और यहाँ भी 1 है तो 1 इंटू एक्स करना पड़ेगा, राइट। नाउ अब आपको ध्यान देना है कि इन दोनों रिएक्शन को कैसे अरेंज करूंगा कि मुझे ये थर्ड रिएक्शन मिलेगी, क्योंकि इसका ही मुझे ई नॉट निकालना है, राइट। तो अब दिख रहा है कि मुझे इसमें कॉपर प्लस 2 चाहिए लेफ्ट में, कॉपर प्लस 2 यहाँ पे, कॉपर प्लस 1 चाहिए मुझे राइट में जबकि ये लेफ्ट में, तो इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कॉपर चाहिए भी नहीं, तो इसको उल्टा करूंगा तो क्या कर दूंगा माइनस, और उसके बाद दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया, तो इसका मतलब x किसके बराबर हो गया आपका 2 इंटू 0.34 माइनस में 0.522, तो आप देख सकते हो 34 तक कितना हो जाएगा 68, तो ये क्या हो जाएगा 0.68 माइनस में 0.522, तो एक बात तो क्लियर है कि मेरा जो e नॉट है वो पॉजिटिव आने वाला है, इसलिए ये दो ऑप्शन मेरा क्या हो गया कैंसल, और 0.68 0.52 कितना हो गया 0.16 के आसपास, तो 0.16 कौन है आपका ये, क्योंकि ये 158 इज अप्रॉक्स 16 हो जाएगा, राइट, एक कैरी करेंगे तो डायरेक्ट मेरा ऑप्शन ये आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, मैं चाहता हूँ आप इतना भी टाइम ना लें, आप डायरेक्ट यहीं पे कर सकते थे, प्लस 2 से 0 का ये है, दो इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो आप यहीं पे कर लें 2 इंटू 0.34, उसके बाद प्लस 1 से 0 एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो आप यहीं पे कर लें 1 इंटू 0.522, राइट। अब आपको मालूम है कि मुझे कॉपर प्लस 2
लेफ्ट में चाहिए और कॉपर प्लस वन राइट में, मतलब इसको पलटना पड़ेगा, तो इसलिए इसके साथ माइनस लगा देंगे और दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा, तो डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हैं। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 0.68 माइनस 0.522 डैट इज 0.158 वोल्ट। तो जब आप यूज टू हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एक क्वेश्चन और देखिए कि आपको इस टाइप से बहुत सारे रिएक्शन दे देगा राइट, और सबका ई नॉट दे करके आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत इजी है। एक तो तरीका यह है कि सबका ई नॉट सेल निकाल करके चेक करें किसका ई नॉट ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो वो रिएक्शन फिजिबल होंगी, आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। आपको बोल रहा है कि कितने मेटल हैं इसमें, टोटल चार मेटल आपको दिया है, इनमें से कितने ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे नाइट्रेट आयन से। तो देखो मेरा सिंपल सा लॉजिक है समझो, नाइट्रेट आयन अगर उसको ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करना चाहिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो अदर को ऑक्सीडाइज करें और इटसेल्फ रिड्यूस होना है। तो इटसेल्फ अगर रिड्यूस होना है तो सिंपल सी बात क्या हो गया कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी ग्रेटर देन अदर मेटल। अगर नाइट्रेट आयन का रिडक्शन पोटेंशियल मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल से अगर ज़्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, सिंपल। तो आपको बस इसमें ये चेक कर लेना है कि कितना ऐसा केस है जहाँ पे नाइट्रेट आयन का रिडक्शन पोटेंशियल मेटल से ज़्यादा है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ही गिवन है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.97 वोल्ट। ये भी रिडक्शन गिवन है तो इसको चेक करना है, तो 0.97 इज ग्रेटर देन 1.19, वो भी माइनस में, तो डेफिनेटली बहुत ग्रेटर है, तो ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे राइट। ध्यान से देखो वैसे ही यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है राइट, और ई नॉट माइनस में 0.04 है, तो अगेन 0.97 इससे ग्रेटर है, तो ये भी आपका इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसके बाद ये भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है राइट, ये 0.80 है और 0.80 से ज़्यादा है ये, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद कुछ बच्चे इसमें डायरेक्ट लगा देते हैं, ध्यान से देखो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये क्या है ऑक्सीडेशन, कैसे 0 से 3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन है। लेकिन हमें सबका क्या कर रखना है, या तो रिडक्शन रखना पड़ेगा या ऑक्सीडेशन। अभी हमने सबका रिडक्शन से बात किया है तो हमें रिडक्शन रखना पड़ेगा, तो इसलिए इसको रिवर्स करना पड़ेगा। इसको रिवर्स करेंगे तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, तो 1.40 जो है वो ग्रेटर हो गया इससे, तो इसलिए ये नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 मेटल ऐसी हैं जो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। तो देखो कंसेप्ट को समझो कि आपको जो भी पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग पहले आप आइडेंटिफाई कर लो। मुझे पूछा जा रहा है कि नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइज करें, मतलब नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो ऑक्सीडाइजिंग वो होते हैं जो अदर को ऑक्सीडाइज करें इटसेल्फ रिड्यूस हो। तो नाइट्रेट आयन का अगर रिडक्शन पोटेंशियल अदर मेटल से ज़्यादा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आपको M+3 से M+2, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, 3 से 2 राइट, मतलब ये रिडक्शन आपको गिवन है। ये सब चीज़ आपको केयरफुल्ली ऑब्जर्व करना है एग्जाम में, क्वेश्चन में ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है सबका राइट, आपको गिवन है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने मेटल आयन्स होंगे जो लिबरेट करेंगे H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। इस वर्ड को भी पकड़ना है, H2 हाइड्रोजन गैस मिलना चाहिए फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। एसिड बोले तो एक तरह से H+ हो गया, H+ इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तब जा करके आपको H2 मिलेगा। तो डैट मीन्स ये क्या, कौन से रिएक्शन हो गए, रिडक्शन रिएक्शन हो गए राइट। डैट मीन्स यू नो ई नॉट ऑफ H+ से H2 ये बाय डिफॉल्ट कितना हम लोग लेते हैं, 0 वोल्ट राइट। तो इसका मतलब रिडक्शन होना है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा कौन, तो ये मेटल देंगे। आपको जो गिवन है वो रिडक्शन गिवन है, इस कंडीशन में नहीं देगा। जब M+2 M+3 में कन्वर्ट होगा तब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा राइट। M+2 जब आपका M+3 में कन्वर्ट होगा तभी इलेक्ट्रॉन। तो डैट मीन्स मेरे को क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे, और सबका क्या गिवन है, रिडक्शन। तो क्या करूँगा मैं, सबका साइन को चेंज कर दूंगा, तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ये क्यों, क्या क्योंकि मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए राइट। अब अगर मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ग्रेटर हो जाता अगर इसके, जो कि अभी बाय द वे 0 वोल्ट है, तो ये रिएक्शन हो जाएंगी राइट। तो इस क्वेश्चन को कहने का उसका क्या मतलब है कि अगर डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन मिल रहा है तो डैट मीन्स H+ H2 में जा रहा है,
तो आपका वो सारा मेटल जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 वोल्ट से ज़्यादा होगा वो इस रिएक्शन को इजीली करवा लेगा। तो अब देख लो किस किस का ज़्यादा है, तो ये वाले हैं प्लस हो गए अब ये, और ये वाले हैं राइट। तो इसलिए कौन कौन हो गया, वेनेडियम प्लस टू एंड क्रोमियम प्लस टू, कहाँ है, ऑप्शन सी में। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन कि आपको इस टाइप से आपको दे देगा कि ए नॉट ऑफ एम प्लस एम, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे प्लस से जीरो में जा रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, ये आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो रिडक्शन पोटेंशियल चार मेटल का आपको गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमने क्या बताया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग मतलब अदर को क्या करना है, ऑक्सीडाइज। इटसेल्फ क्या होगा, इटसेल्फ क्या होगा बताओ, रिड्यूस। तो इटसेल्फ रिड्यूस कब होगा, जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही बाय डिफॉल्ट गिवन है। तो किसका सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, ये माइनस में है, ये प्लस में 0.6 है, ये 0.85 है, ये तो माइनस में है, तो ओनली कौन हो जाएगा, सी वाले। तो ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ध्यान से देखो, ऑक्सीडाइजिंग यहीं पे रिड्यूसिंग पूछता, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अदर को रिड्यूस करें राइट, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो। तो ऑक्सीडाइज हो तो उसका मतलब क्या होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको फिर क्या करना पड़ता, यहाँ पे सबका रिडक्शन गिवन है, ऑक्सीडेशन करने के लिए सब माइनस को प्लस कर देते, तो ये माइनस प्लस हो जाता है, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, और ये माइनस प्लस, तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाता है, ये। तो फिर ऑप्शन आपका क्या रहता है, ए। डैट मीन्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मुझसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाता तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और जाते जाते एक ज्ञान की बात, और ज्ञान की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, विथ साइन कंसिडर करना है। अगर सारे का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा हुआ जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, और रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा हुआ जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ये पॉइंट ध्यान देना। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबका गिवन है तब चेक करना हो, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा हुआ है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो, और रिड्यूसिंग एजेंट वो अच्छा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो। तो देखो इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मैं क्या कहता हूँ, सिंपल सा एक पॉइंट ध्यान रखो, आपको ऑलवेज क्या करना है, ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेना है। अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात, नहीं गिवन है तो आपको मालूम है सिर्फ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल मैं सबका निकाल सकता हूँ राइट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मुझे चेक करना होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग मतलब अदर को ऑक्सीडाइज, इटसेल्फ रिड्यूस, तो रिड्यूस कौन होगा, जो ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो बस एक पॉइंट ध्यान में रखो, इससे आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, कि ऑलवेज इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लो, और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा फिर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। और ज्ञान की बात में पॉइंट नंबर टू, कि जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा राइट, और वो मेटल उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस टाइप से भी कनेक्ट कर सकता है, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वी नो ऑलरेडी उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, उतना ज़्यादा रिएक्टिव। क्यों, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा मतलब वो ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, ऑक्सीडाइज होना चाह रहा मतलब वो मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि ईजिली इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इसीलिए पूरे पीरियोडिक टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए तो वो लिथियम होगा, क्योंकि लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट मतलब लिथियम ऑक्सीडाइज होंगे राइट, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होंगी, तो इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल के सेंस में बात करें तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल फिर क्या हो जाएगा, बहुत लो हो जाएगा, माइनस में सबसे ज़्यादा इसी का रहेगा राइट, माइनस में 3 समथिंग होता है। क्यों, क्योंकि रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो रिएक्शन रिवर्स होगी, माइनस आन आएगा, और ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फिर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली पूरे पीरियोडिक टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाए तो वो कौन हो जाएगा, फ्लोरीन, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है राइट, प्लस में है, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हेलो बच्चों, कैसे हो, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन के बारे में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते ही हैं। तो देखो, नस्ट इक्वेशन को
आगे से मैं बोलूंगा नटखट इक्वेशन। इसका नाम क्या रख देंगे? नटखट इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे नखरे हैं, राइट, डिफरेंट फॉर्म में ये यूज होता है, इसलिए इसका नाम मैंने रखा है नटखट इक्वेशन। तो ध्यान से समझो, देखो ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, ये सभी को मालूम है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग, एलएन मतलब क्या है, नेचुरल लॉग क्यू। क्यू क्या है? तो क्यू को बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट, ओके। और ये कैसे निकालते हैं? तो केमिकल इक्वेशन में आपको आइडिया है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट में होंगे उन सब का कंसंट्रेशन टू दी पावर स्टोइकोमेट्री, जो उसके आगे का नंबर होगा एक बैलेंस रिएक्शन में, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट होंगे उसका कंसंट्रेशन टू दी पावर स्टोइकोमेट्री। क्यू हम ऐसे निकालते हैं, राइट, जहाँ ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो कंसंट्रेशन को बताता है, और कंसंट्रेशन कैसे लिखते हैं, मोल्स बाय वॉल्यूम, उसके मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट। तो ये बहुत ईजी है, तो वही क्यू है ये। अब यू नो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस में एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड है, नॉट मतलब स्टैंडर्ड, तो एन एफ ई नॉट हो जाएगा, आर टी ये एल एन नेचुरल लॉग क्यू रहेगा, राइट। अब सबको माइनस एन एफ से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉग क्यू। अब ध्यान से देखो, ई इज इक्वल टू ई नॉट आर, जो कि गैस कांस्टेंट हो गया, टी यहाँ पे टेम्परेचर हमने कितना ले लिया, जनरली जो सेल रिएक्शन होती है वो 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन पे होती है, आप चाहो तो अप्रॉक्स में 300 केल्विन भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, फेरेडेज एफ 96500, तो ये सब वैल्यू को अगर हम पुट कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाती है कैलकुलेट करके 0.059, इसलिए ये बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इसको कैलकुलेट करके रख लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये तभी वैलिड है जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, डेट मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन या अप्रॉक्स 300 केल्विन हो, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो फिर आपको ये वाले इक्वेशन से करना पड़ेगा पुट करके। चूँकि 99% जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब इसी टेम्परेचर पे, इसलिए ये डायरेक्ट वैल्यू हम याद रखेंगे ताकि हमारा टाइम बचेगा कैलकुलेशन में। तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग, क्योंकि इसमें नेचुरल लॉग को भी अब लॉग विथ बेस 10 में हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो वो सब ऑलरेडी उसमें कैलकुलेट होकर के आ गया लॉग क्यू। वे आर वाट इज एन, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका मैंने आपको ट्रिक दे रखा है कि आपको एक सेल रिप्रेजेंट करके अगर गिवन है, दोनों साइड सेम चार्जेज है तो एन की कोई एक वैल्यू हो जाएगी वही चार्ज, और अगर डिफरेंट चार्जेज हैं तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो ये मेन इक्वेशन हो गया, इसलिए इस पे स्टार्ट दिया, ये ध्यान रखना है। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी जीरो होता है, अगर डेल्टा जी जीरो हो जाएगा तो जीरो कौन होगा, ई, क्यों, क्योंकि एफ की वैल्यू तो फिक्स है 96500 और एन इलेक्ट्रॉन है वो जीरो नहीं हो सकता, तो इसलिए ई सेल जीरो हो जाएगा। तो अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो डेल्टा जी या ई को जीरो पुट कर दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब ध्यान से देखो, क्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस केस में क्यू आपका हो जाएगा के इक्विलिब्रियम के बराबर, इसलिए लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई नॉट बाई 0.059 को मैंने अप्रॉक्स 6 ले लिया है, राइट। तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर क्वेश्चन मेंशन कर दिया एट इक्विलिब्रियम। अब इसमें देखो वेरिएबल क्या क्या है वो भी समझो ध्यान से, के इक्विलिब्रियम एक वेरिएबल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपको सेल से पता लगेगा, E नॉट, तीन वेरिएबल हैं, तो तीन में से कोई भी दो दे करके तीसरा आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको केयरफुल रहना है। और अगर कोई रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है या ई सेल पॉजिटिव है तो वो सेल स्पॉन्टेनियस होगा, इन द सेंस वो रिएक्शन होंगी, राइट, सेल वर्किंग कंडीशन में, इसका ये मतलब है। नाउ अब ध्यान से समझो, क्यू निकालने के लिए एक तो ये था जो आपको बता चुका हूँ, और अगर मान लो कि एनोड और कैथोड मेटल के हैं तो डेफिनेटली एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो राइट साइड में ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होंगे, इसलिए क्यू को डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन एट एनोड टू दी पावर स्टोइकोमेट्री डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन एट कैथोड सी टू दी पावर स्टोइकोमेट्री, ओके। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो फाइनल कहने का क्या मतलब है, सिंपल सा, कि अगर लिक्विड है, एल फॉर लिक्विड, अगर लिक्विड है एक्वस फेज में है तो उसका कंसंट्रेशन लेना है, डेट मीन्स मोल बाय वॉल्यूम, और अगर कोई गैस अगर आपको दिख रहा है प्रोडक्ट साइड में, किस साइड में, प्रोडक्ट साइड में कोई गैस दिख रहा है तो उसका प्रेशर लेना है, अगर कंसंट्रेशन नहीं गिवन है तो, कंसंट्रेशन गिवन है तो वही पुट कर दो, नहीं गिवन है तो प्रेशर भी हम ले सकते हैं। सिमिलरली
रिएक्टेंट साइड में अगर एक्वस फेज में तो कंसंट्रेशन लेना है राइट, और अगर गैस है तो प्रेशर लेना है। तो इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं, क्यू रिएक्शन कोशेंट। ई नॉट सेल, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन में क्या क्या वेरिएबल है, ई सेल जो एक ये कैलकुलेट करना है राइट, ई नॉट सेल इसका कैलकुलेशन आपको बता रखा हूँ प्रीवियस लेक्चर में, कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, एनोड पे विनो ऑक्सीडेशन होता है इसलिए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पे रिडक्शन होता है इसलिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर देंगे तो ई नॉट आ जाएगा राइट। तो इसमें वेरिएबल कौन कौन है ध्यान से देखो, ई ई नॉट 0.059 फिक्स हो गया, एन भी एक तरीके से वेरिएबल है राइट, और ये एक क्यू वेरिएबल है, तो टोटल इसमें फोर वेरिएबल है। तो आप समझ सकते हो अगर टोटल चार वेरिएबल हैं तो कोई तीन दे करके आपसे चौथा पूछा जा सकता है, इसलिए आप ऐसा मत सोचे कि नटखट इक्वेशन से खाली आपको ई सेल निकालना पूछा जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ई सेल दे दिया, ई नॉट दे दिया, क्यू दे दिया, एन निकालो, ऐसा दे सकता है, या ई नॉट दे दिया, एन दे दिया, क्यू दे दिया तो ई निकालो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर ई ई नॉट एन दे करके क्यू निकलवा सकता है राइट। तो इस टाइप से चूंकि इसमें टोटल चार वेरिएबल हैं तो चारों में से कोई तीन दे करके तीसरा आपसे पूछा जा सकता है, और चूंकि इसमें लॉग क्यू मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम आया है इसलिए आयनिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स आया इसलिए थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट आया इसलिए रेडॉक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन, तो तीनों को कंबाइन किया जाता है, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, लेकिन आपको नहीं लगेगा क्यों, रफ़ी सर आपके साथ हैं। तो आप देखिए कि इस पे बेस प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते हैं और उसको हमें कैसे करना है रफ़ी सर के कंसेप्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर वन, आपको क्या गिवन है कि 298 केल्विन पे एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर प्लस टू से कॉपर का 0.34 वोल्ट है, केएसपी आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड का गिवन है 10^-20, रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है जब पीएच 14 होगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता कि करना क्या है, देखो कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है, वेरी सिंपल, 298 केल्विन दे दिया मतलब 0.059 हम यूज कर सकते हैं राइट, एसआरपी स्टैंडर्ड है ये, तो डेट मीन्स आपको क्या गिवन है ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लो क्या गिवन है, ई नॉट कितना 0.34 वोल्ट, कैसे पता लगा क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है ओके। एक और पॉइंट कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिएक्शन भी लिख दो, कॉपर प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन लेकर के जब कॉपर में जाएगा ये रिडक्शन रिएक्शन हुआ राइट। केएसपी आपको गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल, दैट मींस ई सेल निकालना आपको, ई क्या होगा एट पीएच, जब आपको गिवन है कि पीएच आपका कितना हो रहा है 14, तो यहां से ध्यान से समझो अगर पीएच 14 है तो वी नो पीएच प्लस पीओएच कितना होता है 14, तो इसका मतलब पीओएच कितना हो जाएगा 0 राइट, क्योंकि पीएच ही 14 है, पीओएच 0 होने का मतलब क्या हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस कितना हो गया 1, क्यों क्योंकि पीओएच 0 का मतलब माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ओएच माइनस 0 के बराबर है, तो लॉग 1 जो होता है वो 0 होता है इसलिए ओएच माइनस का कंसंट्रेशन, इस पॉइंट से वो क्या कहना चाह रहा है कि ओएच माइनस का कंसंट्रेशन 1 मोलर लेना है, जस्ट घुमा रहा और कुछ नहीं है, डायरेक्ट भी बोल सकता था लेकिन परेशान करना तो उसकी फितरत में राइट, इसलिए ऐसा करके दे दिया तो यहाँ से निपट गए। अब अगर ये रिएक्शन है तो आपको मालूम है इस रिएक्शन का मैं क्यू लिख सकता हूँ, क्यू कैसे लिखूंगा, यू नो ये सॉलिड हो जाएगा कॉपर, तो सॉल्यूशन में सिर्फ कौन है ये कॉपर प्लस टू, तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कुछ नहीं है तो ऊपर में 1 नीचे में कॉपर प्लस टू का कंसंट्रेशन हो जाएगा। नाउ अगेन कॉपर प्लस टू का कंसंट्रेशन आपको गिवन नहीं है तो उसके लिए फिर से उसने आपको घुमाया है, के एस पी गिवन है, क्या गिवन है के एस पी, यहाँ से कॉपर प्लस टू निकाल सकते हैं कैसे, यू नो कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसे डिजॉल्व होगा कॉपर प्लस टू में प्लस टू ओ एच माइनस में, इस रिएक्शन का के एस पी डेट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस टू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस और स्टोइकोमेट्री पावर में राइट। तो यहाँ से कॉपर प्लस टू किसके बराबर आ गया कंसंट्रेशन के एस पी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस का स्क्वायर, चूंकि कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस 1 है तो ये डायरेक्ट किसके बराबर हो गया के एस पी डेट मीन्स 10^-20 के, बस ये चीज़ें घुमाने की कोशिश किया। अब आप डायरेक्ट लगाओ
हमें फॉर्मूला लगाना है ई सेल, जो निकालना है ई नॉट, ई नॉट आपको गिवन है 0.34 वोल्ट माइनस 0.059, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर 298 केल्विन है, बाय एन, एन आपको दिख रहा है कितना इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तो एन टू लॉग, और क्यू, तो क्यू किसके बराबर है ध्यान से देखो, 1 बाय कॉपर प्लस 2, कॉपर प्लस 2 का कंसंट्रेशन, तो 1 बाय कॉपर प्लस 2 का कंसंट्रेशन कितना है 10 की पावर माइनस 20, तो यू नो ये ऊपर चला जाएगा और 20 बार आ जाएगा लॉग 10 1, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा ध्यान से देखो आप, 0.34 माइनस 0.059 बाय 2 इंटू 20, राइट, तो 20 का ये क्या हो जाएगा 10, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 0.59, तो 0.34 माइनस 0.59, तो आप ध्यान से देखो कि ये माइनस में था ऊपर गया तो प्लस में हो गया, तो ये कितना होगा 34 और 59 मतलब 0.25, और 0.25 को आप कैसे लिख सकते हो 25 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तो आप ध्यान से समझे कि वो क्या करेगा कि हमारे पास एक्चुअल में क्या है, ये इक्वेशन है जो मैंने बताया था, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू, तो मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें वेरिएबल कौन कौन है, E, E नॉट, N और ये Q वाला पार्ट, तो आपको कोई तीन देगा, अब यहाँ पे जो तीन देगा वो घुमा फिरा के देगा, जैसे Q के बारे में इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ना दे करके KSP से रिलेट किया, राइट, वैसे ये N तो खैर यहाँ से पता लग गया, E नॉट डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया, E पूछा है, सिर्फ Q को घुमाया है, और कैसे घुमाया है तो उसको कैसे करना है वो आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर टू कि एट वॉट pH, आपसे pH पूछा जा रहा है, गिवन हाफ सेल, ये हाफ सेल आपको गिवन है जिसमें दोनों का कंसंट्रेशन मेंशन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है, ई गिवन है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आपको गिवन है, डैट मीन्स आपको क्या क्या गिवन है अगर आप ध्यान से देखो, तो ई सेल आपको गिवन है 1.282 वोल्ट, ई नॉट भी गिवन है आपको बाय द वे 1.54 वोल्ट, और आपसे pH पूछा जा रहा है। रिएक्शन कौन से वो ध्यान से देखो, रिएक्शन क्या हो रहा है MnO4 माइनस Mn+2 में, पहले आप लिख लो MnO4 माइनस आपका कहाँ जा रहा है Mn+2 में, ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, राइट, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है pH की बात क्या है, डैट मीन्स H+ कहीं ना कहीं बातें हो रही है, और H+ कैसे आएगा, तो MnO4 माइनस Mn+2 में जा रहा है, बट इधर चार ऑक्सीजन है तो इधर क्या करना पड़ेगा मुझे 4 वाटर, रेडॉक्स में जैसे बैलेंस कर दो, और 8 हाइड्रोजन हो गया तो इधर क्या करना पड़ेगा 8H+, अब अगर चार्ज को बैलेंस करें तो इधर +7 है, इधर 2 ही है, तो इधर कितना करना पड़ेगा 5 इलेक्ट्रॉन, वो भी समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये 7 में था ये 2 में था, चेंज कितने का हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन का, तो ये एक्चुअली में रिएक्शन है जिसको उसने बहुत शॉर्ट फॉर्म में इतना कर दिया है, इसका भी कंसंट्रेशन आपको गिवन है और इसका भी गिवन है, बाकी इसलिए ये जो H+ है इसका कंसंट्रेशन को ही pH से उसने रिलेट किया है, तो अपना फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 बाय N log of Q, अब ध्यान से देखो E दे दिया है, E नॉट दे दिया है, N दे दिया और Q में कुछ ना कुछ आपसे पूछा है, राइट, तो E आपको गिवन है कितना 1.282, E नॉट गिवन है कितना 1.54 माइनस 0.059 बाय N कितना 5 इलेक्ट्रॉन, तो बाय 5 log, Q कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में Mn+2, Mn+2 का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 3, इसका स्टॉइकोमेट्री 1 है इसलिए पावर 1 रहेगा, डिवाइडेड बाय, इसका क्यों नहीं लिया, वाटर का कंसंट्रेशन ऑलवेज 1, राइट, उसके बाद इधर में आ जाओ तो MnO4 माइनस का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 1, स्टॉइकोमेट्री 1 है इसलिए पावर 1, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो निकालना है और उसका पावर 8 करना नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे 8 है, ये आपको करना पड़ेगा, तो 1.282 में से 1.54, तो ये आ जाएगा 0.258 माइनस में इज इक्वल टू माइनस में 0.059 बाई
फाइव लॉग ऑफ, ये 10 की पावर एक चला जाएगा तो 10 की पावर माइनस टू बाय कंसंट्रेशन ऑफ हेच प्लस की पावर 8, राइट। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे आप क्या होने वाला है, तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम, राइट। ये पॉइंट से आप इस पॉइंट को भी हटा सकते हो, तो आप कितना हो जाएगा 258 इंटू फाइव, राइट, 258 इंटू फाइव बाय 59 नीचे में चला जाएगा इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं ध्यान से देखो, लॉग ए बाय बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग 10 की पावर माइनस टू माइनस ए बाय बी को माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हेच प्लस की पावर 8, तो यू नो माइनस ऑफ लॉग हेच प्लस क्या होता है, पीएच, तो ये तो माइनस में 2 आ जाएगा आपका, राइट। और ये माइनस कितना हो जाएगा 8 पीएच, तो इसको अप्रॉक्स आप करोगे तो ये आपको 22 के आसपास आएगा, और ये इधर आ जाएगा तो 2, तो 8 pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, तो इसलिए pH कितना हो जाएगा 24 बाय 8, डेट इज अप्रॉक्स में 3, तो आंसर आपका 2.9 वोल्ट जो कि क्लोज टू में 3 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लॉगारिदम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, डेट मीन्स लॉग के इक्विलिब्रियम ये निकालना है, राइट। उसको वर्ड फॉर्म में लिख दिया, इस रिएक्शन का आपको निकालना है, और गिवन है पीडी प्लस टू, टू इलेक्ट्रॉन लेकर के पीडी में जा रहा है, तो उसका ई नॉट गिवन है और ये ई नॉट भी आपको गिवन है। बाय द वे यहाँ पे दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आपको मालूम है कि ई नॉट को इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते, बट यहाँ पे कर सकते हैं, चूंकि मुझे पी डी प्लस टू लेफ्ट में चाहिए तो इस रिएक्शन को ऐसे ही रखना पड़ेगा, और पी डी सी एल फोर माइनस टू राइट में चाहिए तो इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, और रिवर्स करके ऐड कर दूंगा तो मुझे, तो रिवर्स करूंगा तो देखो क्या होगा, पी डी प्लस फोर सी एल माइनस गिव्स यू पी डी सी एल फोर माइनस टू, और इसका ई नॉट कितना हो जाएगा माइनस में 0.65 वोल्ट। अब अगर इन दो रिएक्शन को ऐड करोगे तो आपको ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसलिए ऐड कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपका दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है तो कैंसल आउट हो जाएगा इसीलिए, अदरवाइज डेल्टा जी नॉट निकाल के फिर ऐड करना पड़ता, तो यहाँ पे हमें इस रिएक्शन का ई नॉट कितना आ चुका है 0.83 माइनस 0.65, क्योंकि ऐड किया हमने तो ये कितना आ जाएगा 0.18 वोल्ट, तो यू नो कि ई नॉट लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एन ई नॉट बाय 0.06, डायरेक्ट था एन यहाँ पे दिख रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल किया, 2 इंटू ई नॉट 0.18 डिवाइडेड बाय 0.06, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 3 18, तो आंसर कितना आ जाएगा आपको 6, तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, कि आपको ये एक सेल रिप्रेजेंट करके दे दिया है, राइट, और इसका ई एक्स इंटू 10 की पावर माइनस 2 वोल्ट है, तो एक्स क्या होगा, तो ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन को आप क्विकली कैसे करेंगे, आपके पास फार्मूला, चूंकि ई निकालना है, ई नॉट माइनस 0.059 को मैं 6 ले रहा हूँ बाय एन लॉग ऑफ क्यू होता है, राइट। तो देखो ई नॉट आप डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको बताया था सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड वाला एनोड है, राइट साइड वाला कैथोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, बट यहाँ पे क्या गिवन आपको रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा इसका प्लस में 2.36, कैथोड पे रिडक्शन होता है, हमें रिडक्शन ही गिवन है तो एज इट इज रहने देना है, तो ये 0.36, इसलिए ई नॉट कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो 2.72, ई निकालना है माइनस 0.06, एन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको बताया था इधर भी प्लस 2 दिख रहा है, इधर भी प्लस 2, अगर सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड सेम चार्जेस दिख रहे हैं तो एन की वैल्यू वही हो जाएगा 2, अगर डिफरेंट होता तो मल्टीप्लाई कर देते, राइट, तो एन 2 हो गया, लॉग ऑफ क्यू में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो यू नो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो एक्स प्लस टू का कंसंट्रेशन, राइट, चूंकि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है, यहाँ पे चार्जेस सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो एक्स प्लस टू का कंसंट्रेशन कितना है 10 की पावर माइनस 3, राइट, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट मीन्स कैथोड का रिडक्शन,
कंसंट्रेशन तो कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2। तो ये ध्यान से देखो ये कितना आने वाला है 2.72 माइनस ये हो जाएगा 0.03 और ये 10 की पावर माइनस 1 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 1 राइट। तो ये कितना आ गया 2.75। तो इसको अगर इस फॉर्म में लिखना हो तो यू नो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड तो ये कितना हो जाएगा 275 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सो एक्स विल बी 275 ये हो जाएगा आंसर। तो ये विदाउट रिएक्शन को लिखे हुए मैंने कर दिया। अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन कैसे कराओगे, एक्स कन्वर्टिंग इंटू एक्स प्लस 2 टू इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे रिडक्शन होता है तो रिडक्शन वाला क्या लिखोगे, वाई प्लस 2 वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा वाई में। नेट रिएक्शन आप लिखेंगे उसके बाद, नेट रिएक्शन में चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेम है इसलिए ऐड कर देंगे डायरेक्टली तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 2 गिव्स यू एक्स प्लस 2 प्लस वाई राइट। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया इसलिए यहाँ पे एन की वैल्यू 2 देखो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया था। और लॉग कंसंट्रेशन अब इसलिए ध्यान से देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन वाला है तो एक्स प्लस 2 का कंसंट्रेशन 0.001 मतलब 10 की पावर माइनस 3 और इसका तो कुछ नहीं होगा क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है राइट तो सॉलिड का लिखते नहीं है। रिएक्टेंट में अगेन ये सॉलिड है राइट और y प्लस 2 का कंसंट्रेशन 0.01 जिसको 10 की पावर माइनस 2। तो अगर आप यूज टू हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली विदाउट रिएक्शन लिखे हुए भी कर सकते हैं। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि Zn से Zn प्लस 2 और Sn प्लस X से Sn राइट। E सेल गिवन है 298 केल्विन पे, रिएक्शन कोशेंट मतलब Q गिवन है 10 की पावर माइनस 2, E नॉट गिवन है तो आपको N की वैल्यू बताना है राइट। तो फॉर्मूला आपका वही है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 बाई N log Q। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपको, E गिवन है राइट, आपको E नॉट इससे निकाल सकते हैं, log Q रिएक्शन कोशेंट गिवन है और N पूछा गया है राइट। इसीलिए मैंने बोला मैंने यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जो पॉसिबिलिटी हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो यू नो करवा नहीं सकता क्योंकि वीडियो लेक्चर फिर बहुत लंबा हो जाएगा राइट। तो अब यहाँ पे E नॉट कैसे निकालेंगे, तो यू नो ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, लेफ्ट साइड वाला एनोड ऑक्सीडेशन चाहिए, गिवन क्या है रिडक्शन, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस को प्लस कर देंगे तो 0.763 वोल्ट। ये हो गया आपका कैथोड, रिडक्शन चाहिए, रिडक्शन ही गिवन है प्लस एक्स से जीरो में तो एज इट इज, तो इसको आपको ऐसे ही रहने देना है राइट। ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे और इधर ई आपको गिवन है 0.801 तो 0.801 इज इक्वल टू 0.763 प्लस 0.008 माइनस 0.059 बाई एन जो कि निकालना है आपको, लॉग क्यू की वैल्यू आपको गिवन है 10 की पावर माइनस 2 तो ये आप पुट कर दो। तो ये दोनों को जोड़ करके इधर लाओगे तो ये बच जाएगा 0.03 इज इक्वल टू राइट, इधर में ये माइनस और ये माइनस 2 इधर बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 0.059 को मैं 0.06 ले रहा हूँ और यहाँ पे ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और n यहाँ पे हो जाएंगे तो आप ये देख सकते हो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से एन कितना आ गया आपका 4। डैट मीन्स Sn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस 4 में, इसलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूं उससे कंडक्टेंस से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को आप बहुत इजीली कर लोगे और बहुत फास्टली भी। तो ध्यान दो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होते हैं राइट। तो कौन कौन से फार्मूले आपको याद रखने हैं वो सिंपल मैं अपने ट्रिक से देने जा रहा हूँ। ध्यान से देखो, एक हाथ में 5 उंगली होती है राइट, वैसे ही रफ़ी सर के यहाँ पे 5 पॉइंट है। अगर आपने ये 5 पॉइंट को सही से समझ लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं है, ना तो इससे ज़्यादा फार्मूला आपको याद रखना है ना इससे कम, आपके सारे के सारे क्वेश्चन गारंटीड है कि इससे बन जाएंगे। वेरी सिंपल, ध्यान से समझो ट्रिक या कंसेप्ट को, कि जो आप एक सेल लेते हो उसमें दो रॉड डीप होती हैं जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लेंथ L से मैंने रिप्रेजेंट किया है और जो इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको A से रिप्रेजेंट किया है।
बात समझ में आ गई। दो रॉड के बीच का लेंथ एल और इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए है। तो यहाँ पे एक वर्ड हम डिफाइन करेंगे, डेट इज पॉइंट वन, सेल कॉन्स्टेंट। वाट इज सेल कॉन्स्टेंट? डेट इज नथिंग बट जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है एल बाय इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, एल बाई ए। इसको मैं जी से रिप्रेजेंट करूंगा, डेट इज नथिंग बट लेंथ बाई एरिया। आप खुद ही सोचो यूनिट क्या हो जाएगा, अगर लेंथ को सेंटीमीटर में और एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर, डेट मीन सी जी एस यूनिट में ले रहे हैं, तो सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स। ये सबसे ज़्यादा यूज्ड यूनिट है, क्यों? क्योंकि लेंथ जो होगा वो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मीटर में क्यों नहीं करें सर, इतना बड़ा सेल तो होगा नहीं, समझ गए बेटा। लेकिन अगर ऐसा यूनिट पूछा जाए तो फिर क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि वो यूनिट कौन सा दे रहा है, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर। 99% यही रहेगा, और अगर इसमें दिया है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, तो मीटर इनवर्स हो सकता है। पॉइंट नंबर टू, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को सी से रिप्रेजेंट करूंगा, और वी नो कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो वन बाय रेजिस्टेंस डेट इज वन बाय आर। यूनिट क्या होगा, तो वी नो के रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट है, ध्यान दे यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम, राइट। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका, ओम इनवर्स, राइट, नीचे में है तो। या उसी को इस साइड से, बैक साइड से पढ़ो तो क्या बोलेंगे, महो। तो यही यूनिट उसकी भी रहेगी कंडक्टेंस की, या इसी को सीमेंस भी बोलते हैं, एस से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ध्यान दो, ये जो पॉइंट नंबर टू वाला है, ये जितनी भी यूनिट है सब की सब मैंने कौन सी ली है, ऐसा यूनिट है। ओम इनवर्स, महो, सेमन, ऑल आर ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। इसलिए रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, और यही यूज होता है चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। इसमें चेंजेज नहीं है, इसमें चेंजेज हो सकते हैं यूनिट को यूज करने में, इसमें ये फिक्स है, यही रहेगा। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में मोल फिक्स है, ऐसा यूनिट है और वही यूज होते हैं, उसके अलावा और कोई यूनिट यूज नहीं होती है। पॉइंट नंबर थ्री, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कंडक्टिविटी। देखो आईटी वर्ड, आईटी वाई वर्ड कहीं पे लग जाए, कंडक्टिविटी, या फिर उसी को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ध्यान दें इन दोनों में डिफरेंस है, ये सिर्फ कंडक्टेंस है, और कंडक्टेंस के आगे स्पेसिफिक वर्ड लगा दिया या फिर आई टी वाई वर्ड लगा दिया, तो ये सब क्या हो जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। एनी हाउ कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको मैं के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ये जो आपका सेल कांस्टेंट है इनटू कंडक्टेंस, मतलब फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई कर दो। ये हमने कहाँ पे आपको बताया, पॉइंट नंबर वन में, और ये कहाँ बताया, पॉइंट नंबर टू में, राइट। तो दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट इज नोन एज कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगेन यूनिट ध्यान से देखो, तो कंडक्टेंस का आपको मालूम है साइमन फिक्स है, और अगर सेल कांस्टेंट को सेंटीमीटर इनवर्स में यूज किए तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बट अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो साइमन तो ऐसा यूनिट ही था, और सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स, तो ये भी यूज हो सकता है। तो इसलिए ध्यान देना क्वेश्चन में केयरफुल्ली क्या यूज किया, ये यूज किया या ये। यहाँ पे एक यूनिट फिक्स है जो ऐसा यूनिट में, पॉइंट नंबर टू वाली कंडक्टेंस वाला, कंडक्टिविटी की जो यूज्ड यूनिट है वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, और क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर की जगह मीटर यूज कर रहा है तो फिर ये ऐसा यूनिट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे पॉइंट नंबर फोर पे, पॉइंट नंबर थ्री पे भी ये फॉर्मूला भी काफ़ी यूज होने वाला है, एकदम दिमाग में बैठा लेना है। और पॉइंट नंबर फोर, डेट इज मोलर कंडक्टिविटी, वर्ड क्या यूज करेगा, इसमें भी आईटी वर्ड लगा होगा लेकिन कंडक्टिविटी के आगे क्या लगा होगा, मोलर। तो कहीं पे भी अगर मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर मतलब मोलारिटी से रिलेट कर सकते हो, तो मोलर कंडक्टिविटी को लेमडा एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका फॉर्मूला सिंपल है, 1000 × K/m, डेट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी जो है आपका वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मोलारिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये 1000 × K/m। यूनिट क्या होगा, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ध्यान दे साइमन ऐसा यूनिट, मोल ऐसा यूनिट, बट ये आपका सीजीएस यूनिट है, तो ये एक यूनिट है और सबसे ज़्यादा ये यूज होते हैं, राइट। बट अगर सर हमको इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे, अगर लेमडा एम को आपको ऐसा यूनिट में यूज करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा फिर
के ये 1000 नीचे आ जाएगा, के बाय 1000 इंटू एन। ऐसा क्यों हुआ, वहाँ से हम समझ सकते हैं। और यूनिट अब एसआई यूनिट में साइमन एसआई यूनिट हो गया, मीटर स्क्वायर मीटर लेंथ एसआई यूनिट हो गया, मोल तो एसआई यूनिट हो गए। तो ये ध्यान रखना है एसआई यूनिट में ये आपको दे सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये 1000 नीचे कैसे हो गया, तो यहाँ पे के की यूनिट देखो, वेरी सिंपल, के की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, राइट। और मोलारिटी क्या होता है, मोल्स पर लीटर, लीटर को मुझे कहाँ ले जाना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो वी नो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए अगर मैं मोलारिटी को कन्वर्ट करूं तो मोल पर लीटर ऊपर चला जाएगा और 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए वही 1000 आ रहा है। ये जो 1000 है वो कन्वर्जन का 1000 है, समझ गए। तो इसलिए लेमडा एम तो डायरेक्ट क्या है, के बाई एम, 1000 एक फिक्स नंबर है, वो कैसा आया, मोलारिटी को मोल्स पर लीटर, तो मोल्स इसलिए मोल का इन्वर्स आ गया नीचे, और पर लीटर लीटर ऊपर गया, और 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए वो 1000 आया आपका। तो ये सब फिर सेंटीमीटर में आ जाएंगे। सिमिलरली अगर मुझे एसआई यूनिट में लेना हो तो विनो मोलारिटी मोल्स पर लीटर और 1 लीटर 10^-3 मीटर की होता है, राइट। तो 1 लीटर तो मोल्स पर लीटर, लीटर क्या हो गया 10^-3, तो वो कहाँ आ जाएगा नीचे, इसलिए ये 1000 नीचे आया। तो आई होप ये पॉइंट समझ गए होगे, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेमडा एम 1000 इंटू के बाई एम, 1000 ऊपर रखोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, और 1000 नीचे रखोगे तो मीटर स्क्वायर है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो कॉमन है, क्योंकि ये ऑलवेज एसआई यूनिट में यूज होते हैं। ओनली जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो लेंथ से, तो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहे हो तो ऊपर 1000 और मीटर स्क्वायर ले रहे हो तो नीचे 1000। कैसे आया, तो सिंपल मोलारिटी को हमने कन्वर्ट कर दिया है, इधर सीजीएस यूनिट में या फिर एसआई यूनिट में, समझ के बात। एंड लास्ट पॉइंट दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो कंडक्टिविटी होती है, जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के इनवर्स लिए, वैसे कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के उल्टा चलते हैं। तो इसलिए कहीं पे क्वेश्चन को जस्ट लॉन्ग करने के लिए रेजिस्टिविटी दे दे, तो मतलब इनडायरेक्ट वे में आपको कंडक्टिविटी गिवन है, रेजिस्टेंस दे दे मतलब कंडक्टेंस गिवन, एंड वाइस वर्सा। तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक वर्ड लग जाएगा उसके आगे, ये हम जानते हैं। एक और होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा जाए तो सब कुछ सेम रहेगा, 1000 इंटू के, मोलारिटी के जगह सिर्फ क्या आ जाएगा नॉर्मालिटी, और यूनिट क्या हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल की जगह क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये जो मैंने आपको 5 टोटल दिए, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कौन कौन है, 1 नंबर इसको भूलना नहीं है, राइट, 3 नंबर और 4 नंबर, इन सब पे बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे ही। यूनिट का खास ख्याल रखना है, क्योंकि कभी कभी मैच द कॉलम में भी यूनिट पूछ सकता है, और इसके फॉर्मूले बस यही हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। अभी मैं आपको इस पे बेस एप्लीकेशन की बात करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोल रहा है कि रेजिस्टिविटी, पॉइंट पे ध्यान देना, ITY वर्ड लगा हुआ, रेजिस्टिविटी ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज दिस, रेजिस्टिविटी आपको गिवन है, ध्यान दे ओम तो ठीक है सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट वाला ही है, इट्स मोलर कंडक्टिविटी, क्या निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, और वो सम नंबर इंटू 10^4 है, अगेन यूनिट ध्यान दे सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ध्यान से देखो, वेरी सिंपल है ये, आपको क्या दिया है ध्यान से देखो, रेजिस्टिविटी रो दिया है कितना 5 × 10^-3, तो ये रेजिस्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी के कितना हो जाएगा 1/5 × 10^-3, राइट। और हमसे क्या पूछा है, मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम, लेमडा एम क्या होता है 1000 × k/molarity, क्यों, क्योंकि यूनिट ध्यान से देखो, ओम इनवर्स मतलब क्या हो गया भाई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स ये वाला यूज करना, इसलिए 1000 ऊपर, सेंटीमीटर होगा तो 1000 ऊपर, मीटर स्क्वायर होता तो 1000 नीचे, डेट्स इट, बाकी के बाई एम एज इट इज होता। अब पुट कर दो 1000 × k, आपको देखो वही डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्ट वे में रेजिस्टिविटी दे दिया है, तो 1/5 × 10^-3 हो गया, और मोलारिटी आपको गिवन है कितना 0.8, तो यहाँ पे क्या कर दो 0.8। तो अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये 10^4 में बनाना है, तो अब देखो तो ये 10^-3 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 10^6 × 1/8 × 40, तो ये 4, राइट। तो 10^4 में ले जाना, तो इसको क्या लिखेंगे 100 × 10^4/4, तो 4 से ये 25 टाइम्स में कट जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 25, सो योर आंसर विल बी 25 × 10^4।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में ध्यान से देखो, तो आपको क्या दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, सेल कांस्टेंट आपको गिवन है, एक सेल कांस्टेंट गिवन है, फिल्ड विथ 74.5 पार्ट्स पर मिलियन ppm, सॉल्यूशन ऑफ KCl इज 100 ओम, क्या हमको गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, राइट। तो ये सॉल्यूशन वन है। एक दूसरा सॉल्यूशन है, व्हेन द सेम सेल कहने का मतलब क्या हो गया, सेल कांस्टेंट वही रह जाएगा, राइट, क्योंकि सेल अगर चेंज नहीं कर रहे हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस फिक्स हो चुका है और एरिया फिक्स, तो से मतलब सेम सेल कहने का मतलब सेल कांस्टेंट अभी भी 129 है, इज फिल्ड विथ KCl सॉल्यूशन ऑफ 149, दैट मींस अब इसको कंसंट्रेशन को चेंज किया उसने 149 पार्ट्स पर मिलियन, द रेजिस्टेंस इज 50 ओम, अब रेजिस्टेंस 50 ओम हो गया है, तो रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1 एंड 2, डेट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट सेल बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेकंड सेल, वेरी सिंपल। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, 1000 इंटू के वन बाय एम वन बाय 1000 इंटू के टू बाई एम टू, ये 1000 कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल क्या हो गया, ध्यान से देखो, सिंपल हो गया के वन और एम टू ऊपर चला जाएगा, एम टू बाई एम वन इंटू के टू। तो ध्यान से देखो हमें क्या चाहिए, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कंडक्टेंस को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई रेजिस्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। तो आप ध्यान से देखो जो कंडक्टिविटी होगी वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली होगा, और सेल कांस्टेंट चूंकि सेम सॉल्यूशन है तो दोनों में सेम होगा, तो इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ, के वन की जगह क्या हो जाएगा 1 बाई आर वन, तो इसको लिख सकते हैं के टू की जगह 1 बाई आर टू, तो क्या हो जाएगा आर टू रेजिस्टेंस टू का इंटू मोलारिटी आर वन एम वन। अब मोलारिटी कैसे निकालेंगे, तो पार्ट्स पर मिलियन आपको गिवन है, राइट, पार्ट्स पर मिलियन है, क्योंकि जो भी चेंजेज होगा इसमें मोलर मास है वो दोनों सेम ही है, KCl सॉल्यूशन ही है, और जो चेंजिंग फैक्टर है वो भी सेम ही है, तो इसलिए डायरेक्ट हम इसको मोलारिटी में पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखो, आर टू आपके पास कितना रेजिस्टेंस टू 50, और एम टू कितना ध्यान से देखो तो 149, डायरेक्ट पार्ट्स पर मिलियन में, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर सेम रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, रेशियो है, और नीचे में आर वन रेजिस्टेंस कितना आपका 100 और इनटू में 74.5, तो ये ध्यान से देखो, तो ये 52 द और ये पूरा कट जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, लेकिन हमें जो आंसर बताना है वो x इंटू 10 की पावर -3, तो x को क्या होना पड़ेगा 1000, तभी 1000 इंटू 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1000। तो ध्यान से देखो, वेरी इजी है, बस फार्मूला बेस, आप ध्यान से देखो दोनों प्रॉब्लम में मैं वो जो 5 पॉइंट आपको दिए उससे बाहर यूज नहीं कर रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आपको बोल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 10 मोल्स 20 ml NaCl सॉल्यूशन इज लेमडा एम वन, एक का लेमडा एम वन है, और फिर 20 मोल्स एंड 80 ml NaCl सॉल्यूशन का लेमडा एम टू है, तो लेमडा एम वन एंड लेमडा एम टू में क्या होगा, और ये कंडीशन गिवन है, ये पॉइंट को ध्यान से देखना है, कंडक्टिविटी जो दोनों सेल की है वो सेम है, तो अगेन अपना फार्मूला क्या, वेरी सिंपल है, लेमडा एम इज इक्वल टू 1000 इंटू के बाई मोलारिटी, राइट। अब ध्यान से देखो कि दोनों का रेशियो हम निकाल सकते हैं, लेमडा एम टू बाई लेमडा एम वन, तो ध्यान से देखो जब, तो ये 1000 तो कैंसिल हो जाएंगे, और ध्यान से देखो तो के भी कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का सेम है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा इनवर्सली है मोलारिटी के, तो 2 यहाँ है तो नीचे में हो जाएगा एम टू एम वन, राइट। मोलारिटी निकाल सकते हैं क्या, तो वेरी सिंपल, मोलारिटी क्या होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मोल्स 1 का कितना है 10, और वॉल्यूम कितना ध्यान से देखो 20, कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि इसका भी ml में रेशियो है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और m2 का कितना है 20 बाई कितना हो जाएगा 80, तो ये कितना आ गया इधर से 1 बाई 2, और ये 1 बाई 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, राइट, तो कितना आ जाएगा ये 2, तो इसकी लेमडा m2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेमडा एम वन, तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर
दैट मीन्स मोलारिटी दे दिया है, के सी एल सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज दिस, इफ कंडक्टिविटी ऑफ अगेन सेम सोल्यूशन इज गिवन टू यू 0.152 × 10³-3, ध्यान से देखना यूनिट सेमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो सेल कॉन्स्टेंट आपको पूछा गया है कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा 10³ में। तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, अगेन वी नो सेल कॉन्स्टेंट पूछ रहा है, तो हम क्या जानते हैं कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट, राइट। हमें ये निकालना है, अब कंडक्टेंस नहीं गिवेन है सर तो क्या करें, तो भाई रेजिस्टेंस गिवेन है ना, तो क्या लिख सकते हो कंडक्टेंस को 1/resistance × L/A, ये तो हमें निकालना है, तो हम इसलिए कह सकते हैं L/A इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। क्या हमें कंडक्टिविटी गिवेन है, यस 0.152 यूनिट सेवन सेंटीमीटर इनवर्स, और 10³ है तो 10³, और रेजिस्टेंस आपका गिवेन है यस 1750। तो ध्यान से देखो, एग्जाम में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बस ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना था, 10³ - 3 में रखना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 266 × 10³-3, तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा आपका 266। तो आप देख सकते हो एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और ये सब PYQ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल विद सेल कांस्टेंट आपको गिवन है। ध्यान से देखो, सेल कांस्टेंट गिवन है और मोलारिटी गिवन है आपको, और रेजिस्टेंस गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी पूछा है। ऐसे ही क्वेश्चन को आपको रीड कर लेना है, मोलर कंडक्टिविटी पूछा है, तो लेमडा एम क्या होता है 1000 × K/m, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इस यूनिट में चाहिए, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, मोलारिटी भी गिवन है सिर्फ के, के डायरेक्ट नहीं गिवन है, तो के क्या होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, राइट, और कंडक्टेंस को क्या लिख सकते हैं 1/resistance × cell constant, 1/resistance आपको गिवन था ध्यान से देखो 1500, और L/A सेल कांस्टेंट आपको गिवन था 1.14, इसको पुट कर दो अब यहाँ पे, तो लेमडा एम इज इक्वल टू 1000 × K की जगह आप ये पुट कर देंगे तो 1.14 / 1500, और मोलारिटी आपका ध्यान से देखो 10³ - 3 है, तो ऊपर में ही वो 1000 चला जाएगा। तो वेरी सिंपल है, ये आप कट कर दो, इसका भी चाहो तो आप 100 नीचे ले लो, तो ये 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 1140/15, जिसको कट करोगे तो आ जाएगा 760, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 760, सिंपल। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक KCl सॉल्यूशन है जिसकी कंडक्टिविटी अगेन आपको गिवन है, ध्यान से देखें कंडक्टिविटी गिवन है और रेजिस्टेंस भी गिवन है आपको, वही सेम सेल है, इस पॉइंट पे ध्यान देना, अगर सेम सेल है तो सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, सेम सेल है फिल्ड विथ ए HCl सॉल्यूशन, तो रेजिस्टेंस कहाँ पे आ जा रहा है 1.03 ओम पे, तो कंडक्टिविटी उस सॉल्यूशन का बताना है। तो ध्यान से देखो, अभी आपको बताया कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस को क्या लिख सकते हैं 1/resistance × cell constant, बस इतना ही फॉर्मूला है, राइट। तो ये एक बार KCl सॉल्यूशन का दिया है, दूसरी बार HCl सॉल्यूशन का पूछ रहा है, बट सेम सेल है, तो सेम सेल है तो अगेन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स होगा, डेट मीन्स L/A फिक्स होगा, राइट। तो मैं L/A निकाल लेता हूँ फॉर KCl के लिए, तो L/A KCl के लिए जो होगा वही L/A HCl के लिए होगा, और यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, तो L/A क्या हो जाएगा K × R, क्या कंडक्टिविटी गिवन था आपको, यस 0.14, ध्यान दे साइमन मीटर इनवर्स है, मतलब SI यूनिट में चल रहा है, इट्स ओके फाइन, रेजिस्टेंस आपका ऑलरेडी SI यूनिट में है, तो इनटू में हो जाएगा वो 4.19, ये आ जाएगा, राइट। अब ये फिक्स रहेंगे, अब हमें क्या निकालना है कि कंडक्टिविटी HCl, तो कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू 1/resistance, रेजिस्टेंस आपको गिवन है 1.03 इंटू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट अभी भी वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 0.14 × 4.19, आपको कैसे बताना है 10⁻², में तो आगे की क्या वैल्यू होगी, तो आगे की क्या वैल्यू होगी वो तो हम देख लेंगे, ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो गया, राइट, और ये 14 का 100, इसी 100 को मैं लिख सकता हूँ, तो ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ
14 इंटू 419 बाई 103 और ये 10 की पावर माइनस 2। इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स में आ जाएगा आपको 57 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो योर आंसर विल बी 57। तो अब ध्यान से देखो कि आपको बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ अब जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी अगर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज करेंगे तो, डाउन एरो मतलब कम करेंगे तो, और ये दोनों के लिए अप्लीकेबल है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए। देखो ये कोई ऐसा नहीं रटने वाली बात है, सिंपल सी बात है। अगर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का कम, क्या मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ आयंस कम हुआ, तो आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिंपल। सिमिलरली पॉइंट नंबर टू कि लेमडा एम 1000 इंटू के बाई मोलारिटी होता है, तो अगर हम लेमडा एम को इंक्रीज कराना चाहते हैं तो मोलारिटी या कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, कम, क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड है, तो रटना नहीं ये सब। पॉइंट नंबर थ्री, डाइल्यूशन अगर इंक्रीज करा दिया राइट, तो ऑब्वियस बात है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन इंक्रीज करना मतलब मोर आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, तो पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करें तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे राइट। टोटल आयंस तो उतने रहेंगे लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम कम होते जाएंगे क्योंकि नीचे में वॉल्यूम का डिवाइड बढ़ता जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे बेस्ड बनते हैं। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो ट्रिक एंड कंसेप्ट मैं देने जा रहा हूँ उससे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे और बहुत फास्टली भी। तो जैसे एक हाथ में 5 उंगली होती है वैसे ही यहाँ पे रफ़ी सर के 5 पॉइंट है, बस इसको आपको अच्छे समझ लेना, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो ध्यान से देखें, फर्स्ट पॉइंट कि कहीं पे भी अगर वर्ड आ जाए इन्फिनाइट डाइल्यूशन वर्ड आ जाए, लिमिटिंग वर्ड लगा दे लाइक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के आगे लिमिटिंग वर्ड लग गया, या सैचुरेटेड सॉल्यूशन वर्ड यूज कर रहा है, तो इन सब का एक ही मतलब है कि कंसंट्रेशन जीरो की तरफ जा रहा है। कंसंट्रेशन जीरो की तरफ जाने मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, डैट मीन्स डाइल्यूशन बढ़ाने मतलब क्या हो गया कि आपने बहुत ही ज़्यादा वाटर ऐड कर दिया है या सॉल्वेंट ऐड कर दिया है। तो कंसंट्रेशन जीरो की तरफ जाने मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया है, उस केस में मोलर कंडक्टिविटी पे ये हम जीरो दिखाएंगे, तो इसको बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी राइट, या फिर इसको लेमडा एम इनफिनाइट से भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंसंट्रेशन टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और इन्फिनिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वॉल्यूम टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो दोनों का एक ही मतलब है, इसलिए पॉइंट नंबर वन को अच्छे से समझ लेना है। पॉइंट नंबर टू डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलराश्क लॉ। तो डैट्स वेरी सिंपल, इसका ये कहना था कि आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, किसी भी, ध्यान दें, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, चाहे वो वीक हो या स्ट्रांग हो, अगर लिमिटिंग केस में बात करते हैं, क्योंकि अब हमने नॉट दिखा दिया है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू सम ऑफ देयर आयंस, जो जो आयंस होंगे उसका होगा, और मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हो तो आपको उसका जो नंबर है कोफिशेंट में जो नंबर आएंगे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट वहीं पे अगर इक्विवेलेंट की बात करेंगे, इक्विवेलेंट की, तो सिर्फ सम ऑफ देयर आयंस हो जाएंगे, डैट मीन्स यहाँ पे इस नंबर का, इस स्टोइकोमेट्री का कोई यूज नहीं। इसलिए दोनों को मैंने क्लियरली लिखा है कि ये मोलर कंडक्टिविटी है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। अप्लीकेशन, हम इसके हेल्प से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल सकते हैं राइट, यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और कैसे, वेरी सिंपल, सपोज करो मुझे निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए प्लस बी माइनस, कैटायन और एनायन हो गए, जहां ए बी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो दिस कैन बी रिटन एज, और इस पे बेस बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, अभी हम एप्लीकेशन में देखेंगे भी। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन कि आपको ए प्लस बी माइनस चाहिए, तो लेमडा एम नॉट ऑफ ए प्लस सी माइनस, और यहाँ पे लेमडा एम नॉट ऑफ डी प्लस बी माइनस। तो ध्यान से देखो, मुझे ए और बी तो मिल चुका है, ए प्लस बी माइनस, लेकिन एक्स्ट्रा कौन हो गया, सी डी, क्योंकि प्लस आ गया है तो सी डी एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए उसको क्या कर देंगे, माइनस, तो सी डी को माइनस कर देंगे। तो दिस इज इक्वल टू ये, जहाँ पे ए सी डी बी डी सी ये सब क्या है आपके
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना ईजी है, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं जस्ट मैनुपुलेट कर करके। अप्लीकेशन नंबर टू कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, लाइक वीक एसिड या वीक बेस का इक्विलियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो कैसे निकाल सकते हैं, जो मोलर कंडक्टिविटी होगी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान दें दोनों सेम नहीं है, ये ओनली और ओनली कहाँ पर डिफाइंड है, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, और ये किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर डिफाइंड है। तो इन दोनों का रेशियो चूंकि ये ऑलवेज हाई होंगे इसलिए अल्फा ऑलवेज वन से लेस होगा। तो अगर अल्फा निकल गया तो वीक एसिड का क्या क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। अगर मान लो अल्फा वेरी वेरी लेस देन वन है तो हम इसको लिख सकते हैं सी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे बहुत सारा इसका यूज होता है। एंड तीसरा, कहीं पे भी अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल दिया तो उसका मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन है, राइट। तो इसलिए सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने में भी इसका यूज होगा। क्यों, क्योंकि उस केस में लेमडा एम को रिप्लेस कर देना है लेमडा एम नॉट से और मोलारिटी को सॉल्युबिलिटी से। तो वी नो लेमडा एम 1000 इंटू के बाय मोलारिटी था, तो लेमडा एम नॉट से आ गया, 1000 इंटू के मोलारिटी सॉल्युबिलिटी से आ गया। यूनिट इसका क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। और चूंकि यहाँ से हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं अगर लेमडा एम नॉट और के गिवन है कंडक्टिविटी, तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगा, तो फिर हम के एस पी डेट इज सॉल्ट का इक्विलियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये तीन मेजर अप्लीकेशन है जो हम अभी यूज भी करेंगे, इसलिए ध्यान से देखना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट डेट इज पॉइंट नंबर फोर के लेमडा एम और मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन का वेरिएशन जो है वो इस तरीके से रिलेटेड है, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस बी रूट सी, वेयर लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी है एट एनी कंसंट्रेशन, ये एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन है, बी एक कांस्टेंट है और सी कंसंट्रेशन है यहाँ पे। तो जिसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स टाइप हो गया। इसलिए इसका जो कर्व होगा, इसका जो कर्व होगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा और इस टाइप से चूंकि स्लोप निगेटिव है तो इसका जो भी स्लोप होगा आपका वो b के बराबर होगा, राइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन आएगा और जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे मोलर कंडक्टिविटी कम होगा। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये कर्व के फॉर्म में आता है, इसलिए ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कर्व आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम एक्स्ट्रापोलेट करके निकाल सकते हैं, इसको डॉटेड लाइन को बढ़ा करके लेमडा एम नॉट निकाल सकते हैं, लेकिन वीक का हम इससे नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे कट करेगा, इन्फिनाइट पे जा करके, तो हम पता नहीं कर सकते। इसलिए वीक का हम निकालते हैं यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डेट इज पॉइंट नंबर वन, तो ये ध्यान रखना। तो इसलिए इस टाइप का कर्व किसका आया, वीक एसिड या वीक बेस का कर्व जो होगा वो इस टाइप का होगा, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट का कर्व आपका इस टाइप का होगा, ये ध्यान रखना है। कहीं पे अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन मालूम है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से कैसे रिलेटेड है वो, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, अगर एसिड होगा तो कितना एच प्लस दे रहा है वही उसका एन फैक्टर, बेस होगा तो कितना ओ एच माइनस दे रहा है वही उसका एन फैक्टर, कैटायन होंगे तो कितना चार्ज है वही उसका एन फैक्टर, एनायन होंगे तो उस पर कितना चार्ज है वही उसका एन फैक्टर, और सॉल्ट के केस में आप देख लो कि उसका टोटल चार्ज कितना है, राइट, दैट इज चार्ज ऑफ द सॉल्ट विल बी गिव यू एन फैक्टर। तो इससे क्या होगा कि अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन मालूम है तो इक्विवेलेंट मालूम है, क्योंकि एन फैक्टर बाय डिफॉल्ट आपको मालूम है, और अगर इक्विवेलेंट मालूम है तो मोलर, तो कभी एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो बहुत ईजी होगा। तो ये आपको टोटल पांच पॉइंट हमने बताए हैं, इसको आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे, एक बार आप अच्छे से देख लें। अब हम इस पे बेस्ड एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन में कह रहा है कि कंडक्टिविटी ऑफ 0.0025 मोलर एसिटिक एसिड इज 5×10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इक्विलियम कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड बताना आपको, और आपको गिवन है कि लेमडा एम नॉट जो है एसिटिक एसिड का वो 400 है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स। तो अब ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत सारे बच्चे एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ डरने की जरूरत नहीं, ध्यान से देखो हमें क्या पूछा है, के ऑफ एसिटिक एसिड। तो यू नो एसिटिक एसिड आपका कैसे ब्रेक होगा, चूंकि वीक एसिड है इसलिए उसका इक्विलियम कांस्टेंट पूछा जा रहा है, तो कैसे ब्रेक होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O- और H+ में, राइट।
अगर मानते हैं कि इसका कंसंट्रेशन सी है जो कि बाय द वे भी गिवन है, तो स्टार्टिंग में ये 0-0 होगा। अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अल्फा लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फा रिएक्ट होगा, तो ये सी अल्फा, ये सी अल्फा होंगे, राइट। तो इसलिए के ए क्या लिखेंगे आप, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू वन माइनस अल्फा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक सी सी कैंसिल हो जाएंगे, तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें निकालना क्या है, अल्फा, तभी हमको आ जाएगा क्योंकि सी तो मालूम है। अल्फा कैसे निकालते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होता है। अब अगेन लेमडा एम नॉट तो हमें गिवन है, लेमडा एम निकालना पड़ेगा। लेमडा एम कैसे निकाल सकते हैं, तो लेमडा एम इज इक्वल टू 1000 इंटू के बाई मोलारिटी। तो इसलिए सब कुछ गिवन है, 1000 इंटू के गिवन है, यस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 बाई मोलारिटी आपको गिवन है, यस 0.0025। तो यहाँ से आपको लेमडा एम आ जाएगा 20, राइट। तो यहाँ पुट कर दो तो अल्फा क्या हो गया, 20/400, डेट इज 1/20। अब आपको यहाँ इस वैल्यू को पुट कर दो आपको आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इस साइड में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, सी तो सी कितना हो गया आपका 0.0025 इंटू अल्फा स्क्वायर, डेट इज 1/20 इंटू 1/20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1/20। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स 66 इंटू 10 की पावर माइनस 7 में, इसलिए ऐसे पूछा था। तो x क्या हो जाएगा आपका 66। तो ध्यान से समझना कि बस क्वेश्चन में जैसे जैसे पूछा जा रहा वैसे वैसे आप करते जाओ, क्यों, क्योंकि बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में 10 की पावर माइनस 5 मोलर AgNO3 है आपके पास, राइट। उसको 1 लीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgBr में आपने ऐड किया है, तो कंडक्टिविटी इस सोल्यूशन की बताना है। और ये सम नंबर इंटू 10 की पावर माइनस 8, यूनिट का ध्यान रखेंगे साइमन मीटर इनवर्स में। आपको KSP AgBr का गिवन है, इससे क्या पता लगा कि AgBr एक क्या हो गया आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका कुछ नहीं गिवन है, डेट मीन्स ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। और आपको सबका कैटायन का या एनायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो देखो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। सबसे पहले मुझे KSP AgBr का गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि AgBr कैसे ब्रेक होगा, सम Ag प्लस और Br माइनस में। इक्विलिब्रियम साइन क्यों लिया, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। AgNO3 का कुछ भी नहीं दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो AgNO3 कैसे ब्रेक होगा, एक सिंगल एरो से दिखाना पड़ेगा, Ag प्लस और NO3 माइनस में ये ब्रेक हो जाएगा। इसका आपको कंसंट्रेशन गिवन था कितना, 10 की पावर माइनस 5 मोलर, तो राइट। तो इसके 1 मोल से आप देख सकते हो, इसका 1 मोल मिलेगा और इसका भी 1 मोल ही मिलेगा, तो इसलिए इसका कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5, इसका भी कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5। अब चूंकि Ag प्लस यहीं से ज़्यादा आया है, तो Ag प्लस का मिल गया है, तो Br माइनस का हम निकाल सकते हैं वाया यूजिंग, क्योंकि इसका KSP आपको गिवन है। तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस। KSP आपको गिवन है, ध्यान से देखो, 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 13 इज इक्वल टू Ag प्लस का कंसंट्रेशन वही हो जाएगा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिलता है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5। तो कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस यहाँ से हमें आ गया, तो इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस क्या हो जाएगा, 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो आपको Br माइनस का कंसंट्रेशन आ चुका है, Ag प्लस का आ चुका है, NO3 माइनस का आ चुका है, डेट मीन्स सबका मुझे कंसंट्रेशन आ चुका है। नाउ वी नो कि लेमडा एम नॉट इज इक्वल टू 1000 इंटू के बाई मोलारिटी की जगह क्या हो जाएगा, सॉलिबिलिटी, क्योंकि सॉल्ट की सॉलिबिलिटी देंगे, बट यहाँ पे यूनिट क्या होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमें जो भी यूनिट लेना वो साइमन मीटर स्क्वायर में, तो आपको बता रखा हूँ 1000 को नीचे कर देना है, तो लेमडा एम नॉट इज इक्वल टू के बाई 1000 इंटू एस, अब यूनिट हो जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहाँ से हम सबका, क्योंकि हमें कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का बताना है, तो के हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, लेमडा एम नॉट इंटू 10 की पावर 3 इंटू एस सॉलिबिलिटी, इसे लिख सकते हैं, राइट।
वेरी सिंपल। और सबका हम निकाल देते हैं, तो के ऑफ अगर मैं ए जी प्लस निकालूं तो ए जी प्लस का लेमडा एम नॉट आपको गिवन है, यस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू सॉलिबिलिटी एस का मालूम है, यस ए जी प्लस का 10 की पावर माइनस 5, तो ये क्या हो गया 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5। अब ध्यान दो, हमें जो आंसर देना है वो 10 की पावर माइनस 8 में देना है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 6000 इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो ये हमें के ऑफ ए जी प्लस आ चुका है। सिमिलरली के ऑफ NO3 माइनस मैं निकाल सकता हूँ, तो K ऑफ NO3 माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो लेमडा एम नॉट NO3 माइनस का आपको गिवन है 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर 3 और इंटू सॉलिबिलिटी NO3 माइनस का सॉलिबिलिटी कितना है 10 की पावर माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 10 की पावर माइनस 5 डेट इज 7000 इंटू 10 की पावर माइनस 8। हम सबका क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी वो सभी आयंस के वजह से होंगी, राइट, तो इसलिए सभी आयंस का हमें निकालना पड़ेगा। एक और कौन बच गया है, बी आर माइनस, तो के ऑफ बी आर माइनस इज इक्वल टू लेमडा एम नॉट उसका गिवन है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर 3 और इंटू उसकी सॉल्युबिलिटी हम निकाल चुके हैं 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो ये आपका 39.2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 हो जाएगा। इसलिए K नेट क्या हो जाएगा, K ऑफ ए जी प्लस, K ऑफ बी आर माइनस और K ऑफ NO3 माइनस सब हम निकाल चुके हैं, सबको जोड़ दो तो ये 7000 6000 13000 और 9, तो 13039 के आसपास हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 13039। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक A2X3 कोई सॉल्ट है जिसका KSP गिवन है 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 23, कंडक्टिविटी उस सॉल्यूशन का गिवन आपको 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 7 मीटर इनवर्स, तो लेमडा एम नॉट बताना है जो X इंटू 10 की पावर माइनस 3 आएगा, तो X की वैल्यू ध्यान दें यूनिट का मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो ध्यान से देखो मैं सब टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करा दे रहा हूँ, आप इस पे बेस किसी प्रॉब्लम को आप कर सकते हो। यहाँ पे हमें जब लेमडा एम नॉट निकालना है तो डेफिनेटली आपको बता रखा हूँ सॉल्युबिलिटी में क्या हो जाएगा, लेमडा एम नॉट इज इक्वल टू, चूंकि ये मीटर स्क्वायर में, तो के बाई 1000 इंटू सॉल्युबिलिटी। अब खुद ही सोचो हमें क्या मालूम है, फॉर्मूला इस चैप्टर में याद होना चाहिए, के गिवन है 1000 तो पता ही है, एस सॉल्युबिलिटी नहीं मालूम है, तो सॉल्युबिलिटी क्या नहीं निकाल सकते हम, यस निकाल सकते हैं कैसे, के एस पी गिवन है, तो के एस पी इज इक्वल टू ये सॉल्ट का देखो कैसे निकालते हैं, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये 3 की पावर 3 हो जाएगा और टोटल एस की पावर 3 और 2 प्लस 5, तो एस की पावर 5 हो जाएंगे, तो के एस पी आपको गिवन है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 110 इंटू 10 की पावर माइनस 25, इससे क्या हो जाएगा ये 108 इंटू एस की पावर 5, तो इससे ये अप्रॉक्स कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मेरा एस कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 5। बस अब इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो के आपको गिवन था 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये 10 की पावर 3 और एस जो हो गया वो भी 10 की पावर माइनस 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 के टर्म में बताना है, तो इसलिए आपका एक्स कितना हो गया 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो ध्यान से देखो लेमडा एम नॉट ऑफ बैरियम क्लोराइड गिवन है, H2SO4 गिवन है, HCl गिवन है और बैरियम सल्फेट पूछा है, तो जिसका पूछेगा देखो ध्यान से लेमडा एम नॉट ऑफ बैरियम सल्फेट मुझे पूछा है, तो ध्यान से देखो बैरियम आपको कहाँ मिलने वाला है, ये वाले में, राइट, तो मैं उसको लिख सकता हूँ लेमडा एम नॉट ऑफ BaCl2, जैसे लिख दो, सल्फेट मुझे कहाँ मिलने वाला है, वो ये वाले में, तो प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ H2SO4, ऐसा करने से क्या हो गया, बैरियम आपको मिल चुका है, सल्फेट आपको मिल चुका है, राइट, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ आ चुकी है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या हो गया, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, ध्यान से देखो ये एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसलिए मुझे माइनस करना पड़ेगा लेमडा एम नॉट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ HCl, ध्यान दे 2 टाइम्स ऑफ HCl मुझे माइनस करना पड़ेगा, राइट, तो आपको सब गिवन है वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 280 प्लस 860 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक HCl का आपको गिवन है 426, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 288।
इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए, ध्यान दें कई बार पूछे गए। कभी ऐसे पूछ लेगा कि अगर मुझे इसका निकालना है तो दो दे दिया है तो और तीसरा कौन रिक्वायर्ड होगा, इस टाइप के भी मतलब इस पे बेस बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए और वेरी वेरी सिंपल है, आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में लेमडा एम नॉट एन ए सी एल एच सी एल एन ए आपको गिवेन है और कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 एच ए इज गिवेन टू यू, तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। तो ध्यान से देखो वही चीज़, अल्फा क्या होता है, लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट। अब आपको क्या मालूम है, तो लेमडा एम यहाँ से निकल सकता है, बस क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना, और लेमडा एम नॉट यहाँ से निकल सकता है। तो लेमडा एम कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो 1000 इंटू के बाय मोलारिटी से, राइट 1000 इंटू के आपको गिवन है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, मोलारिटी आपको गिवन है 10 की पावर माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा आप ध्यान से देखो, तो ये आ जाएगा आपको 50। और लेमडा एम नॉट कैसे निकाल सकते हैं, तो यूजिंग के एल लॉ, राइट कैसे, तो ध्यान से देखो मुझे एच ए का चाहिए लेमडा एम नॉट, एच ए का चाहिए तो एच कहाँ है यहाँ पे और ए का है यहाँ पे, मतलब इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो क्या लिख सकता हूँ, लेमडा एम नॉट ऑफ एच ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमडा एम नॉट ऑफ एच सी एल प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ एन ए ए, इससे मुझे क्या मिल गया एच और ए, एक्स्ट्रा कौन हो गया एन ए सी एल, तो माइनस लेमडा एम नॉट ऑफ एन ए सी एल। तो ये यहाँ से करोगे तो 525 माइनस 125, तो ये कितना आ जाएगा आपका 400। फाइनली सारी वैल्यू को पुट कर दो, तो अब आपको क्या निकालना है अल्फा, तो पुट कर दो यहाँ पे 50 बाय क्या हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 1/80 डेट इज 0.125, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में ये ग्राफ गिवन था और पूछा गया था कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो ध्यान से देखो ये ग्राफ जो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaCl सॉल्ट है, KNO3 आपका सॉल्ट है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी, तो ये ग्राफ डी का है। सिमिलरली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 0.1 मोलर सबका लिया गया, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड बेंजोइक एसिड, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो सिंपल जो ज़्यादा एसिडिक होगा वो ज़्यादा H प्लस देगा, ज़्यादा आयन आएगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड आपका कौन हो गया सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, और बेंजोइक एसिड कौन हो गया आपका बेंजीन पे सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो सिंपल इसको ऑर्गेनिक से भी कर सकते थे, यहाँ पे सब में ये चीज़ें कॉमन है, राइट तो आपको मालूम है इसका कोई इफेक्ट नहीं, सबसे ज़्यादा एसिडिक यही होगा, राइट उसके बाद सेकेंड नंबर पर बेंजोइक एसिड होगा और थर्ड नंबर पर एसिडिक, क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा, राइट तो इसलिए हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा ए फिर सी फिर बी, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 इस टाइप से पूछा गया था कि आपको लेमडा एम वर्सेज रूट सी ग्राफ डिफरेंट सॉल्ट के लिए गिवन था और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ए कौन होगा और बी कौन होगा, तो यहाँ पे जो बच्चों से गलती होती है उसको ध्यान से देखो कि सी एल माइनस तो कॉमन है डेट इज ओके, उनको लगता है कि एन ए प्लस छोटा है तो ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी, तो इसलिए वो ग्राफ ए को कर देते हैं एन ए सी एल के लिए, जो कि हो जाएगा रॉन्ग, क्यों एन ए प्लस का साइज छोटा होने की वजह से उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, इसलिए उसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाती है, तो यहाँ पर एक्चुअल जो होगा वो ए आपका के सी एल के लिए ग्राफ है और बी आपका एन ए सी एल के लिए ग्राफ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में और भी सिंपल कि अगर एन ए सी एल के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लेमडा सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे लेमडा इन्फिनाइट से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रिलेशन क्या होगा, तो वी नो लेमडा सी इज इक्वल टू लेमडा इन्फिनाइट माइनस सम कॉन्स्टेंट इंटू रूट सी, तो ये हो जाएगा डेट इज डी बाय रूल, राइट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि लेमडा एम नॉट ऑफ अगर आपको सोडियम एसीटेट गिवन है, लेमडा एम नॉट ऑफ HCl गिवन है, तो एसिटिक एसिड का कैलकुलेट करने के लिए और क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा, तो एसिटिक एसिड मतलब ध्यान से देखो CH3CO आ चुका है, H आ चुका है, तो एक्स्ट्रा कौन हो गया NaCl, तो इसलिए हमें क्या चाहिए लेमडा एम नॉट ऑफ NaCl चाहिए कैलकुलेट करने के लिए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो बहुत इजी है अगर आपने हमारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो।
नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कराओगे तो आयनिक मोबिलिटी, आयंस की जो मोबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कराने से उनके बीच टक्कर बहुत ज़्यादा होगा, राइट। डैट मीन्स रैंडम मोशन की वजह से उसकी जो आयनिक मोबिलिटी है वो कम हो जाएगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि लेमडा एम वर्सेज रूट सी ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो कर्व है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है और जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। तो इसलिए हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो एक्स्ट्रापोलेट करके निकाल सकते हैं लेमडा एम इन्फिनाइट, राइट। दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन स्ट्रॉन्ग का निकाला जा सकता है बाय एक्स्ट्रापोलेशन, बट वीक का हम नहीं निकाल सकते एक्स्ट्रापोलेट करके। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। और इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो सबका अल्फा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के डेल्टा एस, हम एंट्रोपी को सेल के ईएमएफ से कनेक्ट कर सकते हैं। जो एंट्रोपी होगा, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस, वो एन एफ डी ई बाई डी टी, डैट मीन्स पोटेंशियल का वेरियंस विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर है, ये टाइम नहीं है, टी टेम्परेचर है। तो इसलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वी नो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस में एन एफ ई, राइट। तो और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आपको डी बाई डी टी दे देगा। तो एन एफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा एस आ गया, यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया, डेल्टा जी यहाँ से निकाल सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको डेल्टा एच पूछ ले। तो थर्मोडाइनमिक्स को रिलेट किया जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और एक और पॉइंट कि डी बाई डी टी जिसका जितना कम होगा वो उतना अच्छा रिफरेंस इलेक्ट्रोड माना जाएगा। डैट मीन्स सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि अगर सेल का पोटेंशियल टेम्परेचर के साथ ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है तो अभी सी बात है वो अच्छा रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा। तो ये सब चीज़ें रटना नहीं, एकदम फील करते हुए समझते हुए। और एक और लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 कि कंडक्टिविटी, ध्यान दें कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का उतना ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस उतना ज़्यादा होंगे। बट मोलर कंडक्टिविटी वर्ड यूज कर दे तो फिर वो कंसंट्रेशन के इन्वर्सली अगर बढ़ाएंगे तो वो कम होगा। और ये दोनों अगेन वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए अप्लीकेबल है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकते हैं। तो आई होप ये कंडक्टेंस वाला पार्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे बाहर कुछ नहीं है, इसको आप अच्छे से समझ लें, इसके सारे प्रॉब्लम को अच्छे से कर लें तो आपका सभी प्रॉब्लम हो जाएंगे। थैंक यू।